हेलो अखिल रॉय वेलकम टू दिस अमेजिंग चैनल एनसीडी वाला आप सभी का स्वागत करता हूं मैं लेकर आया हूं आप लोगों के लिए रिलेशन फंक्शंस का लेक्चर नंबर एट जिसके अंदर हम लोग जानेंगे कुछ स्पेशल टाइप्स ऑफ फंक्शंस मेरे दोस्त स्पेशल टाइप्स ऑफ फंक्शंस और इस स्पेशल टाइप्स ऑफ फंक्शन में क्या स्पेशल है वैसा ही स्पेशल है जैसा स्पेशल छब्बीस में होता है इतना भी बड़ा चढ़ा के नहीं भाई है तीन तरह के कुछ खास तरीके के फंक्शन हम लोग देखेंगे जिसके अंदर हम लोग ये जानेंगे कि इनकी कुछ खास तरीके की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं तो क्या सर यहां से सवाल ज्यादा आते हैं भाई देखो ज्यादा सवाल तो नहीं आते हैं, लेकिन हां इन चीजों का इस्तेमाल ऐसा है कि आपको आगे आने वाले टॉपिक्स में कहीं ना कहीं इसका इसका एक खास यूज़ देखने को को मिलेगा. Definitely, आप लोगों इस्तेमाल आपको करने को मिलेगा बट एक्सपेक्ट ऐसा किया जा सकता है कि बाय चांस आप लोगों को एमसीक्यूज के अंदर यहां पर सवाल देखे जा सकते हैं रेगुलरली देखे जा सकते हैं अच्छे सवाल भी देखे जा सकते हैं और बहुत ही नॉर्मल से सवाल भी देखे जा सकते हैं तो आज की क्लास में मैं आप लोगों को ये स्पेशल टाइप्स ऑफ फंक्शन के साथ इंट्रोडक्शन भी करवाऊंगा और थोड़ा सा मैं उनके साथ बातचीत करवाते हुए आप लोगों को सवालों के सफर में भी ले जाऊंगा है जी तैयार हैं आप सब बिल्कुल तैयार हैं सर तो चलिए शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के यहां पर सबसे पहले हम लोग बात करेंगे भाई इवन एंड ऑड फंक्शंस के बारे में जानते हो सर इवन एंड ऑड फंक्शन सर इवन मतलब वो होता है जो टू से डिवाइड हो जाता है ऑड का मतलब वो होता है जो टू से डिवाइड नहीं होता है या रिमाइंडर वन छोड़ता है टू से डिवाइड करने पर ऐसा ही क्या ना बेटा फंक्शंस में इवन और ऑड जो है ना ये कुछ अलग चीज बताने की कोशिश करता है अगर मैं मैथमेटिकल डेफिनेशन की बात करूं तो भाई मैथमेटिकल डेफिनेशन जो है ना है तो बड़ी सटीक लेकिन समझ में ना आती सर समझाओ फिर भाई समझाने से पहले मैं आप लोगों को यह चीज बताऊंगा कि मैथमेटिक्स मैथमेटिकल लैंग्वेज के साथ साथ उसका विजुअल जो रिप्रेजेंटेशन होता है वो भी बेहद जरूरी है क्योंकि मैथमेटिक्स पहले नहीं बनी बेटा पहले मैथमेटिक्स से पहले उसको दिमाग में सोचा गया होगा उसको जब दिमाग में सोचा गया होगा तब उसकी इक्वेशंस बनाई गई होंगी तो इसी तरीके से अगर मैं इवन और ऑड फंक्शन्स की बात करूं तो पहले मुझे उसे ग्राफिकली समझना पड़ेगा ग्राफिकली समझने के लिए मुझे सबसे पहले यह समझाना पड़ेगा कि ग्राफ में कौन से ऐसे फंक्शंस हैं जो कि इवन फंक्शन का रोल प्ले करते हैं ऐसे फंक्शन जो ऑड फंक्शन का रोल प्ले करते हैं तो उन्हें समझने के लिए सबसे पहले मैं आप लोगों को इंट्रोडक्शन करवाना चाहूंगा कि ऐसे फंक्शन से जो कि इवन फंक्शन है सर क्या मस्ती कर रहे हो आप भी इधर ध्यान से सुनो इधर ध्यान से सुनो नजरें एकदम ध्यान से टिकाए रखनी है हैं जी सपोज कीजिए बेटा हम लोग ये ग्राफ बनाते हैं इस ग्राफ के अंदर अच्छी बात क्या है कि सर ये खाली है तो अभी भर देते हैं भाई अभी भर देते हैं ये ग्राफ खाली नहीं रहेगा ये ग्राफ के अंदर मैं कुछ ऐसा फंक्शन बनाऊं तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि ये फंक्शन जो है ये किस किस फंक्शन का ग्राफ बन रहा है सर आपने पिछली क्लास में हमको ग्राफ बनाना सिखाया था अब हम इतने काबिल हो चुके हैं कि हम इस फंक्शन का ग्राफ मतलब इस फंक्शन का इक्वेशन हम लोग बता सकते हैं तो बताओ ना मेरे भाई बताओ कौन सा फंक्शन है सर ये फंक्शन जो है ये बना है हमारा एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वेयर से है ना एफ एक्स बराबर अगर एक्सक्वायर है या वाई बराबर एक्सक्वायर है तो ये इस फंक्शन का ग्राफ है तो सर इसमें अच्छी बात क्या है इसमें अच्छी बात ये है कि बेटा इसमें ना आप तो को एक चीज देखनी है समझनी है जबकि एक्चुअली बोलूं तो आपको ये ऑब्जर्व करना है वो ये कि सर ये जो ग्राफ है ना ये एक्स एक्सिस ये जो वाई एक्सिस देख रहे हो वाई एक्सिस के इस तरफ ले लो या फिर वाई एक्सिस के इस तरफ ले लो यानी एक्स पॉजिटिव में ले लो या फिर एक्स नेगेटिव में ले लो दोनों तरफ जो ग्राफ है सर एकदम सेम सेम बन रहा है डिट्टो जुड़वा सलमान खान बन रहे हैं सर बिल्कुल तो बेटा यहाँ पर इसे कहते हैं इस तरीके के ग्राफ को हम लोग बोलते हैं सिमेट्री अबाउट वाई एक्सिस सिमेट्री अबाउट वाई एक्सिस यानी सर यहाँ पर जो ग्राफ बन रहा है इसकी सिमेट्री बन रही है किसके हिसाब से वाई एक्सिस के हिसाब से कैसे सर यहाँ पर अगर आप ध्यान देंगे तो ये देखो वाई एक्सिस पे अगर आप ऐसे करके लाइन खींचना शुरू कर दोगे तो इसका मतलब ये हुआ कि सर अगर मैंने यहाँ पर एक मिरर रख दिया मिरर समझते हो ना भाई प्लेन मिरर जिसमें आप लोग रोज़ सुबह नहा धोने के बाद जो बालकंगी करते हो अपने आप को संवारते हो ताकि कोई कोई आपको नोटिस करे चाहते हो बेटा यही चाहते हो कि कोई नोटिस करे लेकिन क्या करें किसी ना किसी दिन नोटिस करेगी कैसे नोटिस करेंगे जब हम बहुत बढ़िया हो जाएंगे अपने कर्मों में बिल्कुल मजबूत हो जाएंगे तब सब नोटिस करेंगे हैं वो भी नोटिस करेंगे तो यहां पर हमने कहा कि सर वाई एक्सिस पर अगर मैंने एक मिरर रख दिया तो वाई एक्सिस में मिरर रखने से क्या होगा कि ये वाला कर्व अगर इस तरफ बन रहा है तो ये वाला कर्व बिल्कुल वैसा का वैसा इमेज यहां पर बनाएगा इस साइड पर एक वो इमेज बनाएगा और इस तरफ हमारा एक ऑब्जेक्ट अगर रख देते हैं तो सेम फिगर यहां पर बनेगी तो ऐसे वो सभी फिगर्स की बात करें सर जहां पर y एक्सिस पे मिरर रखने पर जो फिगर आपने यहां बनाई है वही फिगर अगर यहां बन जाती है तो ऐसे ग्राफ्स को ऐसे ग्राफ्स ऐसे फंक्शंस जिनके ग्राफ्स में ये फीचर देखने को मिलता है उन फंक्शंस को हम लोग इवन फंक्शन कहते हैं अब इसको समझने की बात जरा गौर से फरमाइएगा दोस्त गौर फरमाइएगा यहां पर समझने के ऊपर बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, जैसे सपोज कीजिए मैंने यहां पर एक वैल्यू डाली सर एक वैल्यू डालेंगे जी एक ही डालेंगे उससे ही अपना काम हो जाएगा मान लीजिए मैंने यहां पर x की वैल्यू बेटा वन डाल दिया तो आप कहेंगे सर y की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगा इस फंक्शन में सर वन आ जाएगा कितना आ जाएगा सर वन आ जाएगा आएगा कि नहीं आएगा सर अगर मैंने यहां पर x की वैल्यू बच्चे माइनस के वन डाल दिया होता क्या डाल दिया होता सर x की वैल्यू माइनस के वन डाल दिया होता तो भी हमारे पास एफ एक्स की वैल्यू क्या आती सर वन आती क्या आती सर वन आती बस इसी चीज को अगर मैं आपके ऐसे लिख कर दिखाऊं कैसे सर ऐसे कि हमारे पास फंक्शन एफ में वन डाला तो सर फंक्शन एफ में माइनस वन डाला तो सर वो दोनों बराबर आ रहे हैं क्या ये चीज़ किसी भी पॉइंट के लिए वेरीफाइड थी हाँ सर किसी भी चीज़ के लिए वेरीफाइड थी एकदम वेरीफाइड थी मतलब अगर मैं टू डालता तो भी फोर आता मैं माइनस टू डालता तो भी फोर आता सर मैं थ्री डालता तो नाइन आता माइनस डालता तो भी नाइन आता तो मतलब एफ में चाहे आप पॉजिटिव वैल्यू रखो या फिर नेगेटिव वैल्यू रखो दोनों में आंसर बराबर आता है तो मैथमेटिकली इन जनरल अगर हम लोग ये बोलें कि सर अगर f में आपने x रखा और f में आपने माइनस एक्स रखा तो उन दो, दोनों की वैल्यू हमारे पास कैसी होगी सर बराबर होगी तो इस कंडीशन को हम लोगों ने क्या बोला सर इवन फंक्शन बोला क्या बोला सर इवन फंक्शन बोला क्या बोला इवन फंक्शन बोला यानी एक ऐसा फंक्शन जिसमें आप पॉजिटिव में वैल्यू डालो या फिर नेगेटिव में वैल्यू डालो कथा फर्क ना पड़ता है सर उन दोनों में दोनों साइड से वैल्यू बराबर आती है ऐसे फंक्शन को हम लोग इवन फंक्शन कहते हैं जिमेट्रिकली इसकी जो प्रॉपर्टी होती है वो ये कि सर ये सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस होता है कैसा सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस होता है अब यहां पर मैंने कुछ एग्जाम्पल्स आप लोगों को दिए हुए हैं जैसे एफ एक्स बराबर के एफ एक्स बराबर एक्स की पावर टू एन एफ एक्स बराबर एक कॉस एक्स एफ X बराबर मॉड्यूल एक्स सर इनके भी ग्राफ बनाना सिखा दो ना आता होगा लेकिन फिर भी भाई क्या करें मेरा तो काम है आप लोगों को, तो 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 को प्लीज चलो तो भाई मैं यहां पर बनाकर दे रहा हूं लेकिन चार के साथ साथ थोड़ा ज्यादा भी हो सकता है तो काम चला लेना यहां पर बेटा एक ग्राफ हम लोगों ने ये बना दिया सर एक ग्राफ हम लोगों ने यह बना दिया जी सर एक ग्राफ हम लोगों ने यह भी बना दिया ओके सर एक ग्राफ हम लोगों ने यह भी बना दिया ओके सर और क्या बना देते हैं चार तो बन गए सर एक दो तीन चार पाँच पाँच बनाने हैं मेरे को ये लीजिए बेटा पाँच बना दिया ये एक ग्राफ हो गया जी सर ये बढ़िया एकदम बढ़िया सर ठीक है अब इन ग्राफों की अच्छी बात क्या है कि सर ये भी खाली हैं तो अभी भरते हैं ना भाई रुको यार टाइम लगता है बनाने में है चलो अब ध्यान से देखना दोस्त ध्यान से देखना मैं यहां पर सबसे पहला ग्राफ बना रहा हूं किसका सर कांस्टेंट फंक्शन का यानी एफ एक्स बराबर कॉन्स्टेंट एफ एक्स बराबर कांस्टेंट तो मान लो एफ एक्स बराबर कांस्टेंट का ग्राफ कैसा बनता है सर एफ एक्स बराबर कांस्टेंट का ग्राफ ऐसे बनता है बोलो आप लोगों को यह चीज मैंने सिखाई थी कि नहीं सिखाई थी है चीज हम लोगों ने लास्ट क्लास में सीखी थी कि एफ एक्स बराबर कॉन्स्टेंट का ग्राफ जो होता है सर वो एक्स एक्सिस से पैरेलल बनता है तो क्या ये एक इवन फंक्शन है सर है कैसे है कि सर अगर मैंने यहां पर इस जगह पर एक मिरर रखा प्लेन मिरर रखा और मिरर में अगर मैंने यहां पर ड्रॉ करने की कोशिश करी इमेज को तो ये पार्ट अगर आप ऑब्जेक्ट मान लो तो ये पार्ट उसका इमेज बन जाएगा सर बन जाएगा तो सिमेट्री अबाउट वाई एक्सिस दिख रही है हाँ सर दिख रही है तो इसका मतलब क्या है ये इवन फंक्शन है हाँ जी सर ये इवन फंक्शन है चलो अब बेटा मैं यहां पर आप लोगों के सामने एक और ग्राफ रखता हूं बेटा वाई बराबर या फिर एफ बराबर एक्स स्क्वेयर एफ बराबर एक्स स्क्वेयर तो बन गया है सर एफ बराबर एक्स की पावर फोर ले लेते हैं यानी इवन पावर वाला तो अगर आप इसका ग्राफ ड्रॉ करोगे तो आप लोगों को ग्राफ ऐसे पैराबोलिक ना दिखकर थोड़ा सा से, से टिल्टेड करके यूं करके ऊपर चला जाएगा ऐसे बेस की तरह जैसे ये मान लो कि हाँ ये इस तरीके से चपटा हो गया थोड़ा सा कैसा हो गया दोस्त चपटा हो गया नीचे से ये x की पावर फोर का ग्राफ बनेगा तब आप कहोगे सर यहां पर भी हमें वैसी कुछ चीज देखने को मिल रही है कि y एक्सिस पर अगर हम लोगों ने मिरर को रखा तो सर मिरर इमेज बन रही है बन रही है सर बन रही है बन रही है सर बन रही है है ना तो ये भी सर एक इवेंट फंक्शन का ग्राफ हो गया बढ़िया भाई चलो इधर अगर देख लो कि सर अब अगर मैं y बराबर एक्स की पावर सिक्स का ग्राफ बनाता हूं या फिर एफ एक्स बराबर एक्स की पावर सिक्स का ग्राफ बनाते हैं एफ एक्स बराबर एक्स की पावर सिक्स का ग्राफ बनाते हैं तो ये बेटा थोड़ा और चपटा होकर यूं करके ऊपर चला जाएगा और यहां से भी ये थोड़ा और चपटा होकर एकदम से ऐसे ऊपर चला जाएगा तो ये जो ग्राफ है सर देखने में सेम नहीं लग रहा है थोड़ा सा अच्छे से बनाइए ताकि हम लोग फील भी कर पाए हैं जी देखो भाई मैं कोशिश कर रहा हूँ लेकिन उतना सिमेट्रिकल ग्राफ ना बन नहीं पा रहा है जी बन गया जी इस तरीके से ग्राफ बन जाएगा ये हो गया एफ एक्स बराबर से अंदर भी सर सेम चीज हो रही है कि अगर मैंने यहां पर बेटा मिरर रख दिया तो मिरर में सर मिरर इमेज यहां पर बनती हुई नजर आ रही है तो ये ग्राफ भी सर क्या हो जाता है हमारे पास दिस इज ऑल्सो एन ईवन फंक्शन का ग्राफ हो जाता है आप चाहें तो इन सभी ग्राफ में ये डेफिनेशन को वेरीफाई कर सकते हैं दैट इज एफ एक्स बराबर एफ माइनस एक्स ये आपका होमवर्क है आप करके देखेंगे ये सारी चीजें हैं जी सर एक और ग्राफ देखिए एक और ग्राफ अगर आप देखोगे तो आपके पास पता चलेगा कि सर मोड्यूलस एक्स का जो ग्राफ होता है वो कुछ ऐसे बनता है कैसे इधर की तरफ 45 डिग्री पे लाइन बना दो इधर की तरफ 45 डिग्री पे लाइन बना दो तो ये जो फंक्शन आप लोगों ने देखा दैट इज एफ एक्स बराबर एक्स एफ एक्स बराबर मॉड्युलस एक्स सर ये भी इवन फंक्शन है हाँ जी बेटा देखो ना आपको सारी प्रॉपर्टी तो वेरीफाई हो रही है कि सर इस ग्राफ के अंदर जब हमने मॉड्युलस एक्स का ग्राफ बनाया तो वाई एक्सिस पर अगर मैंने मिरर रखा तो सर एक्सिस पर मिरर रखने पर हमारे पास बिल्कुल एक सिमेट्रिकल इमेज बन रही है तो सर ये भी इवन फंक्शन है हाँ जी सर ये भी इवन फंक्शन है अब आखिरी ग्राफ की तरफ देखो या फिर मैं यहाँ पर एक और ग्राफ आप लोगों को बताना चाहूंगा जो कि जरूरी है वो कैसे थोड़ा सा ध्यान दें इधर देखिए सर एक ग्राफ हम लोग बनाना चाहते हैं दैट इज कॉल्ड कॉसेक्स का ग्राफ कॉसेक्स का ग्राफ कैसे बेटा कॉसेक्स का ग्राफ जीरो पर वन होता है और फिर उसके बाद ऐसे करके ये ग्राफ बनता है हाँ जी सर ऐसे करके बनता है हम जानते हैं कॉसेक्स का ग्राफ ऐसे बनता है फिर ये पीछे जाता है तो बेटा पीछे भी ऐसे करके ही ये ग्राफ बनता है और ये इस तरीके से बनता है हैं जी ऐसे करके बनता है तो मैं इसे कॉन्टिन्यूसली अगर बनाऊं तो ज्यादा बेटर बनेगा कि सर ये इस तरीके से आएगा ये इस तरीके से नीचे जाएगा फिर ऐसे करके ऊपर जाएगा फिर नीचे जाएगा फिर ऊपर जाएगा फिर ऐसे करके यूं जाएगा ऐसे करके ये ग्राफ बनता है कॉसेक्स का ग्राफ तो आप कहेंगे कि सर इसमें भी वही वाला फीचर दिख रहा है कि अगर मैंने वाई एक्सिस पे मिरर रख दिया वाई एक्सिस पे अगर मैंने मिरर रखा तो सर वाई एक्सिस की वजह से यहां पर एक सिमेट्रिकल फिगर बन रहा है बाकी आप लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री के अंदर एक प्रॉपर्टी तो जरूर पड़ी होगी बेटा जलूल 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 पड़ी होगी कौन सी कि सर कॉस माइनस एक्स जो होता है वो कॉस एक्स के बराबर होता है तो क्या सर ये इवन फंक्शन की प्रॉपर्टी को ही डिफाइन कर रहा है कि नहीं

कि सर अगर मैंने x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो रखी क्या रखी x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो रखी या फिर x की वैल्यू लेस देन जीरो रखी तो यहाँ पे ये बन जाएगा x का स्क्वायर मल्टीप्लाई x बन जाएगा और ये बन जाएगा x का स्क्वायर मल्टीप्लाई माइनस एक्स बन जाएगा सो इट विल बिहेव लाइक x का क्यूब एंड इट विल बिहेव लाइक माइनस एक्स का क्यूब की तरह बिहेव करेगा हैं जी ऐसे ही करेगा मैं थोड़ा सा और इसे साफ साफ लिख देता हूं बच्चा ए? ये कैसे बिहेव करेगा सर माइनस का एक्स क्यूब बिहेव करेगा ये कब करेगा जब एक्स ग्रेटर इक्वल टू जीरो होगा और जब एक्स लेस देन इक्वल टू जीरो होगा ये उन कंडीशन में बिहेव करेगा तो सर इसकी कोशिश करें कि डायग्राम बनाकर दिखाओ ग्राफ बनाकर दिखाओ प्रैक्टिस करी थी खुद बनाओ नहीं नहीं मैं ही बनाऊंगा मैं ही बनाऊंगा मुझे बनाना है मेरे को करना है ठीक है मेरे को सब बात है ठीक है इसको कुछ नहीं आता है मुझे सब आता है चलो तो ये हो जाएगा हमारा ग्राफ खाली खाली ग्राफ तो खाली खाली ग्राफ में सर x क्यूब का ग्राफ अगर बनाना मुझे इसका ग्राफ बनाना है किसका बच्चे एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर मॉड्यूलस एक्स का ग्राफ बनाना है तो हम लोग कैसे बनाएंगे सर सबसे पहले तो ये वाली बात होगी कि ये जो रीजन होगा ना ये वाला रीजन क्या कहलाता है सर ये ब्लू वाला रीजन कहलाता है एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो अच्छा सर ये ग्रीन वाला रीजन कौन सा कहलाएगा ये ग्रीन वाला रीजन कहलाएगा सर एक्स लेस देन जीरो कहलाएगा उसने बोला कि सर जब हमारा एक्स ग्रेटर देन जीरो है उस वक्त हमारा ग्राफ जो है वो वाई बराबर एक्स क्यूब की तरह बन रहा है कैसे बन रहा है सर वाई बराबर एक्स क्यूब बन रहा है और जब सर हमारे पास x लेस देन जीरो है उस वक्त हमारा ग्राफ कैसा बन रहा है सर माइनस के एक्स क्यूब बन रहा है क्या बन रहा है दोस्त माइनस के एक्स क्यूब बन रहा है यानी सर अब ये ग्राफ नीचे ना जाकर ये ग्राफ ऐसे करके ऊपर की तरफ चला जाएगा और ये y बराबर माइनस के एक्स क्यूब का ग्राफ बन जाएगा तो सर कमाल की बात देखो क्यूबिकल वैल्यू होने के बावजूद ये वाला जो ग्राफ बन रहा है ये एक इवन फंक्शन को डिनोट कर रहा है अगर मैंने वाई एक्सिस पर मिरर रख दिया बोलो तारा रारा बात समझ में आई बात समझ में आई भाई क्या हो रहा है कि सर हर ग्राफ जो कि y एक्सिस के इस तरफ जैसा बन रहा हो अगर उस तरफ भी वैसा ही ग्राफ बन रहा है तो ऐसे ग्राफ्स ऐसे फंक्शंस को हम लोग इवन फंक्शन बोलते हैं बात क्लियर इसमें कोई दिक्कत बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए बस याद क्या रखना है सर इवन फंक्शन की कंडीशन में जो चीज सबसे इंपॉर्टेंट है वो है कि सर एफ एक्स बराबर एफ माइनस एक्स के बराबर होता है ये दोनों वैल्यूज हमारे पास ग्राफिकली बोलिए या फिर क्ली बोलिए दोनों केसेस में ये बराबर पाए जाते हैं हां जी एकदम बढ़िया धांसू सर उड़ा दिया आपने है? तो यहां से मैं करता बेटा वैल्यू हो सकती है, कोई भी, वैल्यू है कोई भी इंटीजर वैल्यू हो सकती है मतलब ले सकता हूं क्या एन की वैल्यू ले सकते हो भाई एन की वैल्यू माइनस के वन ले लोगे तो आपके पास फंक्शन क्या बन जाएगा सर अगर मैंने एन की वैल्यू माइनस के वन ले लिया लेट अस टेक एन एग्जांपल कि सर अगर मैं एन की वैल्यू माइनस वन ले लेता हूं तो उस कंडीशन में हमारे पास एफ एक्स क्या हो जाएगा सर एफ एक्स हो जाएगा एक्स की पावर माइनस के टू अब एक्स की पावर माइनस के टू कैसा होता है सर ये होता है वन अपॉन में एक्स का स्क्वायर सर इसका ग्राफ तो हमें बनाना नहीं आता लेकिन बेटा आप लोगों को सीखना भी तो है सारी चीज़ें खुद खुद नहीं करोगे तो कब तक याद रहेगा मेरे दोस्त कब तक याद रहेगा तो आप कहोगे सर इसका ग्राफ बनाना एक बार सिखा दो बाकी हम प्रैक्टिस कर लेंगे जी सर कर लो फिर ऐसी बातचीत है तो भाई कर लो हमने कहा सर वन अपॉन एक्सक्वायर का ग्राफ अगर ऐसे करके जाता है यहां से ऐसे करके जाता है कि सर एक्चुअली जीरो तो रख नहीं सकते सबसे पहली बात जीरो रखते ही सर वो इन्फिनिटी बन जाएगा तो इसीलिए जीरो पर ये ग्राफ ऐसे करके बनता है तो सर इस वाली साइड पे भी ग्राफ बिल्कुल ऐसे करके इसकी मिरर इमेज बना डालेगा और आपको पता लगेगा कि सर y एक्सिस पर अगर मैंने मिरर को रखा होता तो सर ये बिल्कुल मिरर इमेज बना रहा होता तो ये भी फंक्शन क्या हो जाता है दोस्त इवन फंक्शन हो जाता है सभी को समझ में आया बढ़िया छोटी छोटी बातें जोड़ जोड़ के हम लोगों ने बड़ा बड़ा कर लिया है और इसी के साथ हमारा इवन फंक्शन का कॉन्सेप्ट हो जाता है क्लियर ठीक है सर आगे चलते हैं हम लोग ऑड फंक्शन की बात करेंगे भाई ऑड फंक्शन की बात कैसे करेंगे ऑड फंक्शन कैसे बोलते हैं हम लोग ऑड फंक्शन ऐसे फंक्शन को बोलते हैं सर किसको बोलते हैं ऑड फंक्शन हम ऐसे फंक्शन को बोलते हैं ये भी सिमेट्री दिखाता है क्या सर या ये सिमेट्री नहीं दिखाता है सर ये सिमेट्री दिखाता है लेकिन एक खास तरीके से सिमेट्री दिखाता है कैसे जरा ध्यान से देखना कि सर अगर कोई ग्राफ जो है वो ऐसे करके ऊपर जा रहा है ऐसे करके ऊपर जा रहा है तो ठीक इसके ऑपोजिट साइड में इसका ग्राफ ऐसे करके नीचे चला जाएगा सेम इमेज बनाते हुए बिल्कुल सेम इमेज बिल्कुल सेम इमेज बनाते हुए नीचे चला जाएगा अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या होती है कि बच्चे यहां पर दो जगह पर अगर आप मिरर लगाते हो ऐसे करके एक ऐसे मिरर लगाते हो एक ऐसे मिरर लगाते हो तो सर यहां पर एक मिरर आपने लगा दिया है जी कहां पर सर आपने एक मिरर यहां पर लगा दिया अच्छा एक मिरर आपने यहां पर लगा दिया तो जब आप यहां पर एक लाइन खींचोगे तो उसकी इमेज आपको इस मिरर में यहां पर दिखाई देगी ना ऐसे दिखाई देगी तो आप कहोगे कि सर सिमेट्री कैसे बोलें ये तो एक्सिस से भी सिमेट्री दे रहा है ये वाई एक्सिस से भी सिमेट्री दे रहा है तो जब सिमेट्री सीमेट्री एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों से होती है तब हम बोलते हैं कि सर सिमेट्री कहाँ से है सिमेट्री हो जाती है अबाउट ओरिजिन कहाँ से हो जाती है दोस्त सिमेट्री अबाउट ओरिजिन हो जाता है यानी सर ओरिजिन के हिसाब से अब अगर मैं ओरिजिन की बात करूं तो ओरिजिन यहां पर है तो ओरिजिन के किसी भी साइड में अगर ग्राफ बन रहा है तो ओरिजिन के ठीक ऑपोजिट साइड में बिल्कुल वैसा ग्राफ ऑपोजिट डायरेक्शन में बनेगा कूल cool है बिल्कुल सर हमें ग्राफ का इक्वेशन बता सकते हैं क्या सर प्रैक्टिस करी तो थी लेकिन याद नहीं आ रहा है तो आप लिख दीजिए एफ एक्स बराबर एक्स का क्यूब का ग्राफ है बेटा एफ एक्स बराबर एक्स के क्यूब का ग्राफ है अब इसमें समझने वाली बात कौन सी है सर सर इसमें समझने वाली बात यह है कि अगर मैंने एक्स की वैल्यू वन रखी होती जी सर अगर मैंने x की वैल्यू वन रखी होती तो सर y की वैल्यू वन आ जाती है जी अगर मैंने x की वैल्यू वन रखी होती तो y की वैल्यू वन आ जाती जी सर अगर मैं x की वैल्यू माइनस वन रखी होती अगर मैंने x की वैल्यू माइनस के वन रखी होती तो मेरे पास एफ एक्स की वैल्यू क्या आती सर एफ एक्स की वैल्यू माइनस के वन आती सिंपल बाबा एकदम माइनस के वन आती तो अब हमें यह समझ में आया कि सर जो भी एफ माइनस एक्स की माइनस वन की वैल्यू है इसे आप ऐसे देखिए कि सर जो भी एफ माइनस वन की वैल्यू है वो एफ वन की वैल्यू से कैसा है सर नेगेटिव आ रहा है जो भी एफ माइनस वन की वैल्यू है वो एफ वन की वैल्यू से नेगेटिव आ रहा है तो जब हम इसे इन जनरल लिखते हैं तो इन जनरल कहते हैं सर एफ माइनस एक्स जो है वो बराबर तो होता है सर एफ एक्स से लेकिन डायरेक्टली नहीं सर नेगेटिव रिलेशन के साथ बराबर होता है तो जब ऐसे बराबर होता है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं सर ऑड फंक्शन बोलते हैं क्या बोलते हैं दोस्त ऑड फंक्शन बोलते हैं हैं जी ऑड फंक्शन समझ में आ गया सर इसके कुछ एग्जाम्पल्स बता दो भाई बताऊंगा खबर करो है हमारे पास एग्जाम्पल्स देखो बेटा यहां पर आप ध्यान दोगे जैसे यहां पर हमारे पास मैंने यहां पर लिखा नहीं था ये पावर टू एन आप लोग देख रहे हो ना पावर क्या देख रहे हो दोस्त इस वाले एग्जांपल में आपने कहा सर पावर यहां पर कितना है टू एन है यानी अगर मैं इस फंक्शन की बात करूं तो ये क्या हो गया सर इवन पावर कैसी पावर सर इवन पावर अगर आप ले रहे हो उस कंडीशन में यहां आ जाओगे तो इस वाले केस में बच्चा आप लोग देखोगे कि सर ये ऑड पावर हो जाएगा क्या हो जाएगा दोस्त ऑड पावर हो जाएगा और यहां पर भी सर वही सेम कंडीशन लगेगी क्या कि एन जो है वो हमारे पास कोई भी इंटीजर हो सकता है जी सर एन कोई भी इंटीजर वैल्यू यहां पर हो सकता है अच्छा तो सर हमारे पास एक फंक्शन तो देखो x की पावर वन है तो ये ऑड फंक्शन ही हुआ इसमें क्या ही समझना है लेकिन स्टिल हम लोग इसके ऊपर काम करेंगे तो सबसे पहले मैं यहां पर एक ग्राफ करता हूं जो कि आप लोग बहुत अच्छे से जानते हो कौन सा सर आइडेंटिटी फंक्शन सर आइडेंटिटी फंक्शन कौन सा होता है आइडेंटिटी फंक्शन होता है बेटा एफ एक्स बराबर एक्स कौन होता है सर एफ एक्स बराबर एक्स तो ये आइडेंटिटी फंक्शन है तो सर इसका ग्राफ जो होता है 45 डिग्री पर इधर निकल जाता है सर 45 डिग्री पर नीचे निकल जाता है तो आप कहोगे सर देखो 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 यहां पर एक मिरर अगर रख देते हैं और यहां पर अगर एक मिरर रख देते हैं तो सर ये अबाउट द ओरिजिन मिरर सिमेट्रिक इमेज बना रहा है तो ये क्या हो जाएगा दोस्त दिस इज एन ऑर्ड फंक्शन है ना सर एक और इमेज एक और बनाइए एक और बना के दिखाइए अब अगर मैं यहां पर x की पावर फाइव लेता हूं दोस्त क्या लेते हैं सर x की पावर फाइव लेते हैं यानी फंक्शन इज एफ एक्स बराबर एक्स की पावर फाइव ले लेते हैं तो अब ये फंक्शन जो है ना यूं ऐसे करके थोड़ा चपटा होकर अचानक ऊपर चला जाएगा और यहां से भी सर थोड़ा चपटा होकर अचानक नीचे चला जाएगा तो ये जो ग्राफ बन रहा है ये सर एफ एक्स बराबर एक्स की पावर फाइव का ग्राफ है तो आप देखेंगे सर अगर मैंने इधर की तरफ मिरर रखा होता और मैंने इधर की तरफ मिरर रखा होता तो सर ये अबाउट द ओरिजिन क्या कर रहा है सिमेट्रिक फिगर बना रहा है सो दिस इज़ एन ऑड फंक्शन ओके okay, सर तो ये किसी भी ऑड पावर के लिए काम करेगा यस yes, बेटा ये किसी भी ऑड पावर के लिए काम करेगा आप लोग इनके ग्राफ्स को किसी भी ग्राफिंग कैलकुलेटर में बनाकर देख सकते हैं देर आर हंड्रेड ऑफ ग्राफिंग कैलकुलेटर ऑनलाइन अवेलेबल फॉर फ्री फॉर स्टूडेंट्स तो आप लोग उन ग्राफिंग कैलकुलेटर में जाके इस इक्वेशन को टाइप करिए और आपके पास बड़ा ही खूबसूरत सा डायग्राम बन जाएगा आपको बिल्कुल मेहनत करने की जरूरत नहीं है तो ये क्यों बता रहा हूं ताकि आप ग्राफ्स के साथ थोड़ा यूज टू हो जाएं बच्चे ग्राफ को स्टडी ही नहीं करते हैं और फिर बोलते हैं सर मैथ समझ में नहीं आ रही अरे लल्लू लाल ऐसे नहीं होगा बिल्कुल नहीं होगा ध्यान दो ग्राफ को करना है मैं हर बार यही बात बोलता हूं कि ग्राफ पर फोकस करो अच्छा सर आप बोल रहे हो तो कर लेते हैं अब इधर देखो अब हमारे पास अगला फंक्शन कौन है सर अगला फंक्शन हमारे पास कौन आ रहा है सर साइनेक्स आ रहा है ओहो हो तो साइनेक्स के लिए थोड़ा सा बड़ा ग्राफ बनाते हैं भाई थोड़ा सा बड़ा ग्राफ बनाते हैं ये भारी भरकम ग्राफ अगर हम लोग बनाएंगे तो देखिए साइनस का ग्राफ जो होता है सर वो ओरिजिन पर ऐसे करके शुरू होता है कैसे यूं करके शुरू होता है और यूं करके ऐसे करके फिर कंटिन्यू होता रहता है हमेशा हमेशा के लिए तो सिमिलरली यहां से बच्चे ऐसे करके नीचे जाएगा फिर ऊपर जाएगा और फिर ऐसे करके नीचे जाके हमेशा हमेशा के लिए कंटिन्यू होता रहेगा तो आप कहेंगे कि सर ये भी तो सिमेट्री दिखा रहा है अगर मैंने यहां पर एक मिरर रखा होता मैंने यहां पर एक मिरर रखा होता तो सर इस मिरर में जो भी इमेज बन रही है वही सेम इमेज सर इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में बन रही है तो ये अबाउट द ओरिजिन बेटा सिमेट्री दिखा रहा है फिर आप इसके साथ एक प्रॉपर्टी जानते हैं कि नहीं जानते सर नहीं जानते जब तक लिखोगे नहीं तब तक कैसे जानेंगे बेटा जानो पहचानो यही तो मजेदार चीजें होती हैं एफ बराबर साइन होता है तो इसके साथ आपने प्रॉपर्टी जलूल जलूल पड़ी होगी कौन सी बेटा कि साइन माइनस के एक्स जो होता है वो माइनस के साइन एक्स होता है क्या ये आपको सबूत दे रहा है इस बात के कि सर एफ माइनस एक्स जो होता है वो माइनस के एफ एक्स होता है अरे हाँ सर ये तो ऑड फंक्शन के सबूत भी दे रहा है ये तो हम पढ़ के आए थे ना सर क्लास इलेवेन्थ में लेकिन ऐसे नहीं सोचा आपने सोचवाया तो हम सोच रहे हैं तो बेटा आज के बाद खुद ही सोचना मैंने एक बार बता दिया बार बार ना बताऊंगा है बार बार नहीं बताएंगे तो आप लोगों को इसको करना है ये हमारा ऑड फंक्शन का रिप्रेजेंटेशन हो गया सर इसके बाद कौन है सर का का भाई फंक्शन जो होता है ना बड़ा भयानक सा होता है डरावना सा होता है लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों को मैं बनाकर सिखा सकूं टेनिक्स का ग्राफ कैसे बनता है बच्चा टेन जीरो जीरो होता है टेन नाइनटी सर कितना होता है टेन नाइनटी होता है हमारे पास इंफिनिटी टेन नाइनटी होता है इनफिनिटी और सर और क्या होता है टेन माइनस नाइनटी होता है माइनस के इन्फिनिटी अच्छा सर टेन माइनस के नाइनटी माइनस के इंफिनिटी सर उसके बाद हमारे पास जो भी आएगा वो ग्राफ हम लोग यहां से ऐसे करके ड्रॉ कर देते हैं सपोज यहां से एक ऐसे करके लाइन बना देता हूं अच्छा और यहां से एक ऐसे करके लाइन बना देता हूं ऐसे है वो कुछ ऐसे बनता है यहां इंफिनिटी से ये ग्राफ ऐसे करके चलता हुआ आता है ये देखो इंफिनिटी से चलता हुआ आया और यूं करके पास होके वापिस इंफिनिटी को चला गया सिमिलरली यहां से भी ग्राफ माइनस इंफिनिटी से चलता हुआ आता है और यूं करके बेटा ऊपर इंफिनिटी को चला गया यहां से ग्राफ माइनस इंफिनिटी से आता है और यू करके बेटा वापस इंफिनिटी को चला गया तो इस तरीके का ग्राफ आपका का ग्राफ, बनता है। Fx बराबर Fx बराबर का ग्राफ हो जाता है तो आप लोग इसके साथ प्रॉपर्टी को जानते हैं कि नहीं जानते हैं सर कौन सी यही वाली बेटा कि टेन माइनस एक्स बराबर माइनस टेन एक्स होता है जानते हो कि नहीं जानते हो सर जानते हैं तो जानते हैं तो क्या ये वाली प्रॉपर्टी आपको बता रही है कि सर f माइनस एक्स रखने पर माइनस के एफ एक्स के बराबर आ रहा है अरे हाँ सर फिर से ऑड फंक्शन की प्रॉपर्टी बन गई बन गई सर और आप देखोगे कि सर ये जो इमेज बन रही है ये जो इमेज बन रही है ये सर हमारे पास एक मिरर इमेज बन रही है है ना मिरर इमेज बन रही है कैसे सर अगर मैंने यहाँ पर क्या रखा होता यहाँ पर एक मिरर रखा होता तो यहाँ पर जो इमेज बनती वही सेम इमेज बेटा ओरिजिन के हिसाब से बन रही है तो सर ये भी एक ऑर्ड फंक्शन हो जाता है जी सर ये भी एक ऑर्ड फंक्शन यहाँ पर बनकर सामने आ जाता है अब एक आखिरी फंक्शन बचा है जो मॉड्युलस फंक्शन के साथ आपको दिखाई दे रहा है दैट इज एक्स मॉड्यूलस एक्स तो इसको मैं यहां पर डील करता हूं आप लोग ये बात जानते हैं कि सर एक्स मॉड्यूलस एक्स को मुझे दो हिस्सों में तोड़ना पड़ेगा एक बार एक्स

ये हमने पिछली क्लास में भी बनाया था है ना बनाया था ना? याद करो बनाया था भाई बनाया था है चलो याद करो कि सर जब इसने मेरे को x ग्रेटर दैन जीरो बोला तो x ग्रेटर दैन जीरो कौन सा एरिया है सर x ग्रेटर दैन जीरो ये वाला एरिया है, है जी ये दिस इज x ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो और सर ये वाला एरिया कौन सा है ये नीले वाला एरिया अगर मैं बोलूं सर दिस इज x लेस देन जीरो अब इसने कहा सर जब एक्स ग्रेटर देन है उस दौरान फंक्शन की तरह बिहेव कर रहा है तो ये फंक्शन की तरह तो नीचे की तरफ बन जाएगा तब आप कहेंगे सर ये भी क्या बना रहा है सर ऑड फंक्शन की वेरिफिकेशन कर रहा है कि नहीं कर रहा है कर रहा है सर अगर मैंने इधर मिरर रखा और इधर मिरर रखा तो सर ओरिजिन पर हमें क्या मिल रहा है ओरिजिन पर हम लोगों को सिमेट्री दिखाई दे रही है बोलो समझ में आया है भाई एकदम क्लियर छोटी छोटी बातें जोड़ जोड़ के सर बड़ी बड़ी बातें बना रहे हैं और फिर उसके बाद अपना कॉन्सेप्ट भी बिल्ड हो गया तो इवन और फंक्शन तो सर आ गया एकदम बढ़िया से आ गया चलते हैं भाई आगे चलते हैं अब जो जरूरी पार्ट है वो है हमारा पीरियॉडिक फंक्शन पीरियॉडिक फंक्शन जो है वो जनरली बेटा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में देखे जाते हैं क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो होते हैं वो आफ्टर टू पाई जनरली रिपीट करना शुरू कर देते हैं ये आप जानते हैं ना ये आप सभी के सभी जानते हैं कि नहीं जानते हैं कि सर कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ले लो तो साइन टू पाई प्लस थीटा ले लो तो सर वो साइन थीटा के बराबर होता है टू पाई प्लस थीटा ले लो सर ये थीटा के बराबर होता है है ना होता है ना सर ये बिल्कुल हम लोग जानते हैं ये होता है ऐसा होता है लेकिन इसमें एक छोटा सा कैच ये है कि जब हम लोग साइनेक्स का ग्राफ देखते हैं देखो बेटा जितना अच्छे से स्टडी करोगे उतना बेहतर आपको समझ में आएगा वरना दिक्कत में रह जाओगे बहुत दिक्कत में रह जाओगे हमने कहा सर साइनेक्स का ग्राफ बनाने के लिए हमें कुछ खाली खाली ग्राफ बनाना पड़ेगा फिर मैं साइनक्स का ग्राफ ऐसे करके ले जाऊंगा कि सर ये देखो ऐसे करके फिर देखो फिर ऐसे करके ये बन जाएगा अच्छा यहां से चलोगे तो बेटा ऐसे करके नीचू आएगा नीचू आएगा फिर ऊपर जाएगा फिर नीचू चला जाएगा ऐसे करके चला जाएगा यहां से बच्चे ऐसे करके ये ग्राफ ऐसे चला जाएगा आगे की तरफ कहीं ना कहीं तो जाएगा ऑब्वियस ही है कंटिन्यू रहेगा इनफिनिटली तो ये जो ग्राफ आप लोगों के सामने बन रहा है आप देखेंगे आप क्या देखेंगे कि सर इस ग्राफ के अंदर जो नोट करने वाली चीज है वो ये कि ये ग्राफ इस पॉइंट के बाद ना रिपीट करना शुरू कर रहा है इस पॉइंट के बाद ये रिपीट करना शुरू कर रहा है यानी यहां से जो भी ग्राफ बन रहा है ध्यान से देखिए दोस्त सेम मैं आपको फिर भी विजुलाइज करवाने की कोशिश कर रहा हूं कि ये जो फिगर आप देख रहे हो सेम फिगर बेटा आप लोगों को यहां पर दिखाई दे रहा होगा है ना बिल्कुल सर सेम फिगर दिखाई दे रहा है फिर अगर आप यहां पर आते हो मेरे दोस्त यहां पर आते हो तो ये वाली लाइन को जरा गौर से देखिए दोस्त ये वाली लाइन को हैं जी सर देख रहे हैं आप बताओ आप बताओ आप बिल्कुल बिना रुके बताओ इस लाइन को जब आप देखोगे तब तो आप कहोगे कि सर ये वाली फिगर भी ऑलमोस्ट बिल्कुल सेम सेम बन रही है है ना तो हमने कहा कि सर कोई भी ग्राफ जो है वो वापस रिपीट कब करनी शुरू करती है कब रिपीट करनी शुरू करती है तो हम वो लेंथ पता करते हैं हम कहते हैं सर ये वाला पॉइंट कौन सा होता है जीरो ये वाला पॉइंट कौन सा होता है सर पाई बाई टू ये वाला पॉइंट कौन सा होता है सर गलत लिख रहे हो गलत लिख रहे हो सर गलत लिख रहे हो मैं बोल रहा हूं आप गलत लिख रहे हो लो जी सही लिख रहा हूँ ये वाला पॉइंट क्या होता है सर ये वाला पॉइंट टू पाई होता है ये वाला पॉइंट कौन सा होता है सर थ्री पाई होता है ये वाला पॉइंट कौन सा होता है बेटा फोर पाई होता है है ना ये वाला पॉइंट कौन सा हो जाएगा सर माइनस के पाई हो जाएगा ये वाला पॉइंट सर माइनस के टू पाई हो जाएगा तो अब आपको ये देखना है कि कोई भी ग्राफ जो है वो अपना कंप्लीट ऑसिलेशन अपनी वैल्यूज का कंप्लीट ऑसिलेशन कब पूरा करती है तो आप यहां पर कहेंगे कि सर ये जो ग्राफ है ना एक्चुअली में इतने लेंथ के अंदर बिल्कुल यूनिक ग्राफ बनाता है मतलब बिल्कुल अलग अलग मतलब कोई चीज़ किसी से कॉपी नहीं होती है फिर उसके बाद अगला इंटरवल जो होता है वो सर यहाँ से लेके कर यहाँ तक का होता है और फिर हमारा अगला इंटरवल उससे पहले अगर मैं लिखूँ तो ऐसे करके होता है तो इन सब इंटरवल की लेंथ क्या होती है सर यहाँ देखें तो समझ में आएगा कि सर जीरो से टू पाई है तो इसकी लेंथ कितनी हो गई सर इस इंटरवल की लेंथ कितनी हो गई इस इंटरवल की लेंथ हो गई टू पाई इस इंटरवल की लेंथ कितनी हो गई सर इस इंटरवल की लेंथ भी हो गई टू पाई इस इंटरवल की लेंथ कितनी हो गई सर इसकी लेंथ भी हो गई टू पाई क्या हो गई दोस्त टू पाई इसकी लेंथ हो गई है ना तो अब आप देखेंगे कि सर अगर मेरी लेंथ जो है वो फिक्स्ड है टू पाई इंटरवल के बाद वापस से ग्राफ बिल्कुल कॉपी पेस्ट होना शुरू हो जाता है हमें बार बार उसे बनाने की जरूरत नहीं होती है तो टू पाई जो है इसी चीज़ को हम लोग कहते हैं कि कोई फंक्शन जो है वो कौन से इंटरवल के बाद रिपीट मारती है इसी को हम लोग बोलते हैं पीरियड क्या बोलते हैं बेटा पीरियड बोलते हैं और अगर कोई फंक्शन इस तरीके के पीरियड को फॉलो करता है तो ऐसे फंक्शन को हम लोग पीरियोडिक फंक्शन बोलते हैं क्या बोलते हैं बेटा पीरियोडिक फंक्शन बोलते हैं जब कोई फंक्शन किसी एक पॉजिटिव इंटरवल के बाद ग्राफ रिपीट करना शुरू करता है तो सर ऐसे क्या सभी के सभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस रिपीट करते हैं डेफिनेटली यहां पर अगर मैं इसके मैथमेटिकल डेफिनेशन की बात करूं तो दोस्त मैथमेटिकल डेफिनेशन ऐसे लिखी जाती है कि सर एफ फंक्शन में एक्स में ऐसा कोई पॉजिटिव नंबर एड करो सच दैट वापिस से फंक्शन fx के बराबर हो जाए तो ये जो t नंबर है ठीक है ये जो t नंबर है इस t नंबर को हम लोग क्या कहते हैं दोस्त इसको कहते हैं पीरियड क्या कहते हैं बेटा पीरियड हमारा क्या हो जाता है सर t हो जाता है दिस इज द बेसिक आइडिया ऑफ द पीरियडिक फंक्शन ठीक है जी तो अब मैं इस चीज को आपको कुछ ग्राफ्स में दिखाऊंगा बाकी मैं ये कहूंगा कि आप लोग ऑनलाइन ग्राफिंग कैलकुलेटर्स में जाकर इन सभी फंक्शंस का ग्राफ बनाकर कर देखें साइनेक्स का ग्राफ तो मैंने आपके सामने बना दिया सर कॉसेक्स में भी ऐसा हो रहा होता है क्या भाई देख लेते हैं देखो साइनेक्स का ग्राफ ये रहा ये फंक्शन जो बना हुआ है बच्चे ये एफ एक्स बराबर साइनेक्स का ग्राफ बना हुआ है अच्छा ये किसका ग्राफ बना है सर एफ एक्स बराबर कॉसेक्स का ग्राफ बना हुआ है जी सर कौनों परेशानी नहीं, नहीं अच्छा अब देखिए मैं इंटरवल की बात करूं तो सर यहाँ पर तो ये वाला इंटरवल हमारा हो जाता है जी यहां पर सर ये वाला इंटरवल हो जाता है जी है जी जी सर है ना यहां पर ये वाला इंटरवल हो जाता है जी सर एकदम बढ़िया जी तो आप देखोगे कि सर ये भी तो एक इंटरवल हो सकता है ना हाँ सर हो तो ये भी सकता है जहां पर ग्राफ रिपीट करना शुरू कर रहा है तो आपके हिसाब से आप देख पा रहे होंगे है ना आप यहां पर ऑब्जर्व कर पा रहे होंगे कि सर ये दोनों रीजन सेम है अच्छा सर ये दोनों रीजन भी सेम है अच्छा सर ये दोनों रीजन भी सेम है तो अब हमारा ग्राफ जो है वो ऑब्वियस ही बात है सर ये वाला पॉइंट जीरो है ये वाला पॉइंट टू पाई है ये वाला पॉइंट हमारा फोर पाई हो जाएगा ये वाला पॉइंट हमारे पास माइनस के टू पाई हो जाएगा तो इसका मतलब हमारा पीरियड कितना आ रहा है सर फिर से टू पाई ही आ रहा है ऑब्वियस ही बात है सेम डायग्राम बनाया है फिर से लिख रहा हूं सो दैट पेज खाली खाली ना लगे है जी जी सर तो हमारे पास समझ में आता है कि सर अगर मुझे लिखना है पीरियड ऑफ साइनेक्स पीरियड ऑफ साइनेक्स कितना होगा तो आप कहेंगे सर साइनेक्स का पीरियड होगा टू पाई कितना होगा दोस्त टू पाई होगा ये याद रखने वाली चीज है आप बार बार ऐसे डायग्राम बनाकर नहीं करेंगे आप बार बार ऐसे डायग्राम बनाकर नहीं करेंगे आपको ये याद रखना है कि साइनेक्स जो है वो सर टू पाई इंटरवल के बाद रिपीट करना शुरू कर जाता है सो इसलिए इसका पीरियड कितना हो जाएगा टू पाई हो जाएगा कॉशेक्स के साथ भी सेम चीज आप देखें कि सर कॉसेक्स में अगर मैं ये बात नोट करूं तो क्या यहां पर यह एप्लीकेबल है आप कहोगे कि सर यह ग्राफ अगर देखूं तो यहां से यहां से अगर आप शुरुआत करो कहां से यहां से नहीं शुरुआत करना है कहां से यहां से देखो बेटा यहां से अगर आप शुरुआत कर रहे हो तो आपका जो मैक्सिमम पॉइंट आपको मिल रहा है ना वो कहां मिल रहा है सर यहां पर मिल रहा है ये देखो ये है ना सेम ये मैक्सिमम पॉइंट आपको कहा मिलेगा सर यहां पर मिलेगा यानी अगली लाइन आप कहां बनाओगे सर अगली लाइन आप ऑब्वियस ऑब्वियसली बात है यहां बनाओगे हैं जी यहीं बनाओगे ना और कहा बनाओगे जी सर अच्छा सर अगली लाइन कहा बनाओगे अगले मैक्सिमम पॉइंट पर बनाओगे जहां पर अगला मैक्सिमम आपको मिल रहा होगा ओहो कभी कभी ना टेढ़ा लाइन जो बनता है मेरे को बहुत परेशान करता है बहुत ही ज्यादा परेशान करता है तो अगली लाइन हम लोगों ने यहां बना दी तो सर एक मैक्सिमम पॉइंट हमें यहां मिला था एक मैक्सिमम पॉइंट यहां मिला एक यहां मिला तो सर एक मैक्सिमम पॉइंट यहां कहीं मिल रहा होगा तो अगला इंटरवल हमारा कहां बन रहा होगा सर ऐसे करके बन रहा होगा ऑब्वियस ऑब्वियसली बात है बेसिक लेवल की अंडरस्टैंडिंग समझ में आती है ठीक है सर बात समझ में आती है तब आप कहेंगे क्या कहेंगे दोस्त क्या कहेंगे कि सर इस जगह पर जो फिगर बन रही है मैंने यहां पर ये लाइन इसको ऐसे बना देता हूं दोस्त ये लाइन अगर मैं बनाऊंगा ना तो इट विल बी अ बेटर तो मैं कलर से आप लोगों को समझा पाऊंगा वरना नहीं समझा पाऊंगा फिर दिक्कत में आ जाओगे और फिर बोलोगे सर समझ में नहीं आ रहा चलो देखो है यहाँ देखो अब देखो 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 सर यहाँ पर जो फिगर बन रही है सेम टू सेम डिट्टो जुड़वा यहाँ पर बन रहा है और सेम टू सेम डिट्टो फिगर बेटा यहाँ पर बन रही है सर ये क्या कर दिया ये तो बहुत खराब कर दिया हमने ये बहुत खराब कर दिया सर ये इसे जोड़ दो अच्छा अब करें तो अब देखो बेटा सेम फिगर आप लोगों को यहां पर बनते हुए दिख रही है ऑब्वियसली बात है ये ग्राफ जब आगे जाएगा तो आगे भी सेम फिगर बनाएगा बनाएगा सर इधर ध्यान से देखिए ये वाला पॉइंट कौन सा है सर जीरो है ये वाला पॉइंट कौन सा है सर टू पाई है ये वाला पॉइंट कौन सा है सर ये वाला पॉइंट फोर पाई है अच्छा सर ये वाला पॉइंट कौन सा है, है।, अच्छा। है? माइनस के टू पाई है अच्छा तो इसका मतलब कि सर ये वाला लेंथ कितना होगा ये वाला लेंथ भी सर टू पाई का होगा सर ये वाला लेंथ कितने का होगा ये लेंथ भी टू पाई का होगा और ये वाला लेंथ कितने का होगा सर ये भी टू पाई का होगा तो यहाँ से मैं क्या बोल सकता हूँ कि सर पीरियड ऑफ कॉसेक्स कितना हो जाएगा पीरियड ऑफ कॉसेक्स कितना हो जाएगा सर इसका भी टू पाई हो जाएगा तो क्या ये याद रख सकते हैं अब हम लोग समझने के बाद है ना जी सर हम याद रख लेंगे आपने काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया कि पीरियड क्या होता है विजुलाइज भी करवा दिया और इसके साथ अब याद करने वाली चीज़ हम खुद कर लेंगे कर लेंगे भाई बिल्कुल कर लेंगे सर ये हो गया अपना पीरियोडिक फंक्शन डन चलते हैं अगले सवाल की तरफ अगले कॉन्सेप्ट की तरफ यहाँ देखें बेटा यहाँ पर आपके पास एक ग्राफ किसका बना है सर एक ग्राफ आपका बना है एफ एक एक्स एक बराबर का ग्राफ बना है ठीक बात सर ठीक है एक ग्राफ आपका किसका बना है बेटा एफ एक्स बराबर कॉटेक्स का ग्राफ बना है ठीक है सर जी सर अब यहाँ पर अगर मैं आप लोगों को दिखाऊँ कुछ इस तरीके से कि सर यहाँ यहां यहाँ यहाँ यहां ओके यहाँ पर अगर मैं एक लाइन खींचूं इस तरीके से ठीक है यहाँ पर एक लाइन खींचूं मैं कुछ इस तरीके से ठीक है यहां पर एक लाइन खींचूँ मैं कुछ इस तरीके से जी सर और साथ ही साथ में यहां पर एक लाइन खींचू कुछ इस तरीके से तो आप लोगों को देखने को पता लग रहा होगा कि सर सेम सेम ग्राफ बन रहा है देखो इतने रीजन में जो ग्राफ बन रहा है ओहो ये तो गलत हो गया इधर देखें दोस्त इधर देखें कि सर ये वाले रीजन में जो ग्राफ बन रहा है सेम ग्राफ सर यहाँ पर भी बन रहा है सेम ग्राफ सर यहां पर भी बन रहा है ग्राफ सेम बन रहा है ना हाँ सर ग्राफ सेम बन रहा है लेकिन अब इसमें ध्यान देने वाली बात क्या है सर पॉइंट पहचानो पॉइंट कैसे पहचाने कि सर ये वाला पॉइंट कौन सा होता है ये होता है माइनस के पाई में टू ये वाला पॉइंट कितना होता है सर ये होता है पाई में टू ये वाला पॉइंट कौन सा होता है सर ये वाला होता है थ्री पाई अपॉन में टू ये वाला पॉइंट कौन सा होता है सर ये होता है फाइव पाई अपॉन में टू होता है अच्छा सर ठीक है तो सर लेंथ निकालने की कोशिश करें कि अगर मैं यहां से लेके यहां तक के पीरियड की लेंथ निकालू तो ये कितना होगा यहां से लेके यहां तक का लेंथ निकालू तो कितना होगा और यहां से लेके यहां तक का लेंथ निकालू तो कितना होगा आप बेटा अंदाजा लगा लो ज्यादा मुश्किल मत करो कि सर ये पॉइंट अगर थ्री पाई बाई टू है ये पॉइंट अगर पाई बाई टू है तो थ्री पाई बाई टू में से पाई बाई टू माइनस करोगे तो बेटा आपके पास पाई आ जाएगा क्या आ जाएगा दोस्त पाई लेंथ का ये हमारा सारा का सारा इंटरवल होगा ये इंटरवल कितने लेंथ का होगा सर पाई लेंथ का होगा तो यहां से हम लोग क्या बोल सकते हैं कि सर पीरियड ऑफ टैनक्स कितना हो जाएगा सर पीरियड ऑफ टैनक्स हमारे पास पाई हो जाएगा कितना हो जाएगा दोस्त पाई हो जाएगा हम इसे याद कर लेंगे अब सिमिलरली बेटा इसके साथ जब आप छेड़ाखानी करोगे तो करवाओ सर इसमें भी छेड़ाखानी करवाओ लीजिए बेटा एक लाइन हम लोगों ने ऐसे बना दी अच्छा एक लाइन हम लोगों ने ऐसे बना दी ठीक है सर एक लाइन हम लोगों ने ऐसे बना दी अच्छा सर और एक लाइन हम लोगों ने ऐसे बना दिया जी सर तो इन सभी केसेस में आप देखोगे कि सर ये पॉइंट क्या है सर जीरो है ये पॉइंट क्या है सर पाई बाई टू है अच्छा ये पॉइंट कितना है सर ये वाला पॉइंट हमारे पास आ, पाई है ये वाला पॉइंट कितना है सर पाई बाई टू नहीं है पाई बाई टू नहीं है ये पाई है ये पाई है ये, पाई है। ये वाला पॉइंट कितना है सर ये टू पाई है ये वाला पॉइंट कितना है सर ये थ्री पाई है कितना है सर थ्री पाई है और ये वाला पॉइंट कितना है सर ये माइनस के पाई है अच्छा तो अगर मैं ध्यान दूं तो आप लोग कहेंगे कि सर यहां से लेके यहां तक का जो इंटरवल होगा यहां से लेके यहां तक का जो इंटरवल होगा और यहां से लेके यहां तक का जो इंटरवल होगा चाहे आप यहां पर भी देख लो ये सब बराबर लेंथ के इंटरवल हैं और ग्राफ एकदम सेम बन रहा है तो जीरो से लेके पाई है तो सर लेंथ कितना हो गया पाई का यहां भी पाई का यहां भी पाई का और यहां भी पाई का हो जाएगा तो हम लोग यहां से कहेंगे कि सर पीरियड ऑफ कॉटेक्स कितना हो जाएगा सर पीरियड ऑफ कॉटेक्स अगर निकालेंगे तो दैट विल बी पाई हो जाएगा तो ये हो गया हमारा कॉटेक्स का पीरियड है जी तो सर बचते कौन से हैं बचते हैं बेटा मैंने आप लोगों को टैनेक्स और कॉटेक्स बता दिया ये दोनों आप लोगों के लिए हो गए होमवर्क हैं जी होमवर्क कर लोगे भाई ठीक है ट्राई करना है इसको मैंने फिर से बोला ग्राफिंग कैलकुलेटर ऑनलाइन फ्री होते हैं आप उनमें जाके सेक और कोसेक एक्स का ग्राफ बनाने की कोशिश करें एंड देन उसके बाद मुझे बताएं कि सेक और कोसेक एक्स का ग्राफ का पीरियड कितना होता है कमेंट सेक्शन में डन है भाई एकदम बढ़िया है ना चलो शाबाश पीरियड सर समझ में आ गया क्या होता है पीरियड का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं जो आपको याद रखने हैं क्योंकि अगर आप बार बार इनको बना बना कर देखोगे तो आपके दिमाग में बहुत सारी टेंशन हो जाएगी और क्या पता आप कभी कभी गलत भी कर दो तो आपको ये सारे रिजल्ट्स याद करने हैं ये रिजल्ट्स कहाँ से आए हैं सर जब हमने हर फंक्शन का ग्राफ बनाकर देखा ना तो हमें दिख गया कि ये फीचर्स अवेलेबल हैं जैसे मैं यहाँ पर अगर बात करूं ध्यान से सुनिएगा ये कह रहा है कि सर साइन की पावर nx ले लो कॉस की पावर nx ले लो सेक की पावर nx ले लो या फिर कोसेक की पावर nx ले लो ध्यान से देखना बेटा ये कह रहा है कि सर अगर मैं इवन पावर लेता हूँ ठीक है ध्यान से सुनिएगा बेटा इवन पावर लेता हूं किस किस का साइन की पावर स्क्वायेर एक्स ले लो कॉस की पावर स्क्वायर एक्स ले लो सेक uh, की पावर स्क्वायर एक्स ले लो कोसेक की पावर स्क्वायर एक्स ले लो है ना स्क्वेर ले लो या फिर आप साइन की पावर फोर ले लो कॉस की पावर फोर ले लो सेक की पावर फोर ले लो या फिर आप कोसेक की पावर फोर ले लो अगर आपका मन है तो बेटा पावर सिक्स भी ले सकते हो।, हो गया समझ में आ गया सर इतना आ गया हम इतने भी बड़े लल्लू लाल नहीं हैं चलो तो इसमें हमें समझ में आया कि सर अगर मैं कोई भी इवन पावर लेता हूं तो मेरी जो पीरियड होगा वो पीरियड कितना हो जाएगा दोस्त वो पीरियड हो जाएगा मेरे पास पाई के बराबर क्यों सर एक्स का तो पाई टू पाई होता है आपने बताया था एक्स का टू पाई होता है तो ये साइंस कोर का पाई क्यों हो गया तो लो भाई इसके लिए मैं आप लोगों को ग्राफ बनाना सिखाता हूं उसके बेसिस पे आपको एक बेसिक आइडिया हो जाएगा कि ऐसा हो रहा है तो क्यों हो रहा है दोस्त देखो जब हम लोग एक्स का ग्राफ बनाते हैं तो एक्स का ग्राफ कुछ ऐसे बनता है कैसे बनता है सर अभी बनाया था आपने फिर से बनाइए साइनेक्स का ग्राफ ऐसे करके ऊपर जाता है तो फिर थोड़ी देर बाद नीचे जाता है और फिर ऊपर जाता है यहां से बेटा नीचे जाता है और फिर थोड़ी देर बाद ऊपर जाता है ऐसे करके इसका ग्राफ बनता है बनता है ना साइन एक्स का ग्राफ जी सर मैं इसे और अच्छे से बनाऊं क्या मुझे मजा नहीं आया ऐसे बनाने में थोड़ा ऐसे छोटे में बनाते तो ज्यादा बेटर बनेगा चलो साइनिकस का ग्राफ सर ऐसे ऊपर फिर नीचे फिर ऊपर फिर नीचे जाएगा अच्छा और ऐसे करके इन्फिनेटली ये कंटिन्यू रहेगा इधर से सर नीचे फिर ऊपर फिर ऐसे करके ये नीचे की तरफ ऐसे कंटिन्यू रहेगा अच्छा सर ये किसका ग्राफ है ये एफ एक्स बराबर साइनेक्स का ग्राफ है अगर मान लीजिए बच्चे हमने कहा कि मुझे साइन स्क्र एक्स का ग्राफ बनाना है तो साइन स्क्र एक्स का ग्राफ क्या होगा बच्चे साइन स्क्वेयर एक्स का ग्राफ बींग स्क्वायर, स्क्वायर करने की वजह से आपने क्या किया बेटा आपने हर नेगेटिव वैल्यू को पॉजिटिव बना दिया तो सर जो वैल्यू पॉजिटिव थी वो तो पॉजिटिव ही रही जो वैल्यू पॉजिटिव थी वो तो पॉजिटिव ही रही लेकिन जो वैल्यू नेगेटिव रीजन में था जो वैल्यू नेगेटिव रीजन में था सर वो वाला रीजन भी पॉजिटिव में चला जाएगा कहाँ चला जाएगा दोस्त वो रीजन भी पॉजिटिव में चला जाएगा और आपका ग्राफ अब ऐसे बनेगा फिर सर जो रीजन पॉजिटिव में था वो पॉजिटिव में रहेगा और अगला रीजन भी सर पॉजिटिव में चला जाएगा और ये ग्राफ ऐसे करके बनना शुरू हो जाएगा ऐसे ऐसे करके बनना शुरू हो जाएगा तब आप कहेंगे कि सर अब तो मेरे पास जो इंटरवल्स आ रहे हैं ना वो थोड़ी थोड़ी दूर पे ही आ रहे हैं ज्यादा दूर पर नहीं आ रहे हैं पहले इंटरवल्स कहां आ रहे थे सर पहले इंटरवल्स टू पाई के लेंथ पे आ रहे थे अब इंटरवल कहां आएंगे ये देख लेंगे ये देखिए इंटरवल्स ऐसे ऐसे डिस्टेंस पर आ रहे हैं है ना जी सर ये तो आप नोट करोगे कि सर पहले ये जीरो पे और फिर टू पाई पे रिपीट मार रहा था पहले जीरो और टू पाई पे रिपीट मार रहा था इसीलिए मेरा पीरियड कितने का था सर इसीलिए मेरा पीरियड जो था वो टू पाई लेंथ का था कितना था सर टू पाई लेंथ का पीरियड था लेकिन सर अगर ये वाला पॉइंट जीरो है ये वाला पॉइंट हमारे पास पाई है और ये वाला पॉइंट हमारे पास कितना है टू पाई है तो सर अब जो पीरियड है ना वो सिर्फ पाई का ही बन रहा है और ये ग्राफ किसका है सर एफ एक्स बराबर साइन स्क्वेर एक्स का ग्राफ हो जाता है साइन स्क्वेर एक्स का ग्राफ हो जाता है तो यहाँ से हम लोग कहेंगे सर इसका पीरियड कितना हो रहा है सर इसका पीरियड हो जाता है पाई तो ये तो समझ में तो आया कि सर काम तो ऐसे ही कर रहा है लेकिन बार बार ऐसे ग्राफ बनाकर थोड़ी ना करूंगा तो मैंने कहा कि सर अगर मैं इवन पावर ले रहा हूं अगर मैं साइन कॉस कोसेक और सेक जैसे फंक्शंस पर इवन पावर ले रहा हूं तो मेरा पीरियड कितना हो जाएगा सर पाई हो जाएगा अच्छा इसकी जगह पर अगर मैं ऑड या फिर फ्रैक्शनल पावर ले रहा हूं फॉर एग्जाम्पल एग्जाम्पल से समझो दोस्त ये हमारा एग्जाम्पल था और एग्जाम्पल दूसरे में हम लोग ले रहे हैं कि सर ऑड पावर या फ्रैक्शनल पावर ऑड या फिर फ्रैक्शन पावर अच्छा जैसे कि सर एग्जाम्पल लेते हैं एग्जाम्पल लेते हैं आप मान लो साइन का क्यूब एक्स ले लेते हो आप बेटा कॉस की पावर थ्री बाई टू एक्स ले लेते हो आप बेटा सेक की पावर फाइव अपॉन में फोर एक्स ले लेते हो इस तरीके के फंक्शंस का पीरियड कितना हो जाएगा सर इनका पीरियड हो जाएगा हमारे पास अगेन पाई हो जाएगा कितना हो जाएगा बेटा सॉरी इनका पीरियड वही रहेगा टू पाई ही रहेगा जो ये पहले था वही पीरियड रहेगा टू पाई ही रहेगा क्या यहां तक सभी को समझ में आ जाता है है ना ये याद रखने की चीजें बेटा छोटी छोटी चीजें जो कि आप लोगों को याद रखनी है बार बार डायग्राम बनाने में आप लोगों को टाइम लगेगा और डायग्राम एकदम से मेमोराइज करने में भी आपको दिक्कत आ सकती है सो इट्स बेटर कि हम लोग इन रिजल्ट को याद रखें है ना चलो अगला कह रहा है बेटा इसी तरीके से कि tan की पावर एनएक्स हो या कॉट की पावर एनएक्स हो फॉर एनी एन यहां से ध्यान से देख लेना बेटा यहां इवन ऑड का खेल मत खेलना फॉर एनी एन पीरियड कितना हो जाएगा सर पाई हो जाएगा है ना चलो बढ़िया ये भी याद रखेंगे सर ये कह रहा है कि मॉडुलस साइन एक्स मॉडुलस कॉस एक्स मॉडुलस टेन एक्स मॉडुलस कॉट एक्स मॉडुलस सेक एक्स मॉडुलस कॉस एक्क एक्स ये छः के छह फंक्शंस का पीरियड कितना होता है सर पाई होता है फॉर एनी एन यानी आप इनकी कोई भी पावर चढ़ा दो स्क्वेयर कर दो क्यूब कर दो कुछ भी कर दो सर ये हमारे पास क्या देगा ये हमारे पास, पास पाई ही इंटरवल बनाकर देगा डन है भाई ठीक है चलो अगला सवाल सवाल नहीं सर अगला कॉन्सेप्ट नेक्स्ट हमसे क्या कह रहा है सर नेक्स्ट कंडीशन में हमसे कह रहा है कि अगर किसी एफ एक्स फंक्शन का पीरियड जो है वो टी दिया गया है सपोज करिए टू पाई दिया गया है सपोज मैं कह रहा हूं सपोज टू पाई दिया गया है तो ये कह रहा है सर अंडर द रूट एफ एक्स या फिर वन अपॉन में एफ एक्स उनका पीरियड भी कितना होगा सर उनका पीरियड भी टी होगा उनका पीरियड भी टी होगा ये चीज आप लोगों से कह रहा है चलिए सर ये बात भी हम लोग मान लेते हैं आगे देखिए कि सर अगर मेरे पास एफ एक्स फंक्शन का पीरियड टी है और एफ ए एक्स प्लस बी का पीरियड अगर मुझे बताना है तो दिस इज द सुपर इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी भाई दिस प्रॉपर्टी इज सुपर इंपॉर्टेंट सुपर से भी ऊपर है ना सुपर इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ये वाली इसके ऊपर सबसे ज्यादा सवाल पूछे जाते हैं अगले नंबर पे ये वाली प्रॉपर्टी बेटा इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में डाल लो कि यहाँ से भी सवाल पूछे जाते हैं हैं तो ये क्या कह रहा है मैं इसके ऊपर थोड़ा सा आप लोगों से काम करवाना चाहूंगा जैसे दोस्त जैसे 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 इसको थोड़ा सा हम लोग अंडरस्टैंडिंग के साथ करेंगे कि सर हम लोग एक्स का ग्राफ फिर से बनाएंगे सर आपको मजा आ रहा है क्या साइन एक्स का ग्राफ बनाने में सच्ची सच्ची बोलूँ हां मेरे को बड़ा मजा आता है ग्राफ बनाने में मैं तो ग्राफ को लेकर मतलब एकदम ऑब्सेशन है मेरे को ग्राफ को लेकर अरे भाई मैथ्स पढ़नी है तो पहले ग्राफ पढ़ना होता है मेरे को सबसे पहले बात ना मेरे को ये टीचर ने बता दी थी और जिस दिन ये बात बताई ना मैंने उनकी बात को गांड मार के रख लिया कि भाई मुझे मैथ्स करने से पहले पहले ग्राफ समझना है क्योंकि ग्राफ्स ने एक बहुत विजुअल अंडरस्टैंडिंग मिलती है जो कि बेटर अंडरस्टैंडिंग देती है भाई ठीक है तो मैंने कहा कि सर साइनिक्स का ग्राफ जो होता है ना वो ऐसे करके बनता है मैं सिर्फ जीरो से लेके टू पाई तक का रीजन बना रहा हूं है जी जीरो से लेके 2 पाई तक का रीजन बना रहा हूं ये कौन सा ग्राफ है सर fx बराबर sinx का ग्राफ है जी सर लेकिन अगर मैं क्या करूं मैं इस ग्राफ को इस ग्राफ को sin 2x का बनाना चाहूं कि सर fx बराबर sin 2x का ग्राफ बनाना है और बनाना है जीरो से लेके 2 पाई तक ही बनाना है जीरो से लेके टू पाई तक ही बनाना है तब मेरा ग्राफ कैसा बनेगा आप कहेंगे सर अगर मैं साइन जीरो डालूंगा तो जीरो आएगा सर साइन पाई बाई फोर डालूंगा तो मेरे पास वन आ जाएगा है ना पाई बाई फोर डालूंगा तो वन आ जाएगा और इस तरीके से जब आप वैल्यू प्लॉट करते रहेंगे तो आपका ग्राफ जो होगा ना बेटा कुछ इस तरीके से बनेगा ऐसे करके एफ का ग्राफ बनेगा है थोड़ा सा काम चलाओ बना लो ऐसे करके बनेगा तब आप कहोगे कि सर ये तो आधे में ही रिपीट करने लग गया ये तो आधे में ही रिपीट कर गया सर इसकी खास बात तो ये थी कि ये आधे में ही रिपीट कर गया यानी ये कह रहा है ये क्या कह रहा है सर एक और एग्जाम्पल एक और एग्जाम्पल ले लो तब और बेहतर समझ में आएगा ये जब आप ग्राफिंग कैलकुलेटर में बनाओगे ना बेटा तब आप लोगों को एक अलग ही लेवल की अंडरस्टैंडिंग आएगी अभी तो मैं बता रहा हूं आप लोगों को समझ में आ रहा है कि सर बोल रहे हैं तो सर सच बोल रहे होंगे क्योंकि सर पे ऊपर भरोसा है हमें तो अगर मैं यहां पर ग्राफ जो है वो बनाता हूं एफ एक्स बराबर साइन थ्री एक्स का ग्राफ बनाता हूं किसका दोस्त साइन थ्री एक्स का ग्राफ अगर मैं बनाऊं क्या कर रहा हूं मैं ये रहा साइन थ्री एक्स का ग्राफ अगर बनाऊं तो उस कंडीशन में ग्राफ जो होगा ना वो बेटा ऐसे करके बन जाएगा आपने इसकी फ्रीक्वेंसी क्या कर दी बेटा बढ़ा दी इसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ा दी और इस कंडीशन में आप कहोगे कि, कि सर ये ग्राफ जो है ना ये तो अब जल्दी जल्दी रिपीट मार रहा है सर उतने ही इंटरवल के अंदर अब ये जल्दी जल्दी रिपीट मार रहा है तो सर अब ध्यान देने वाली बात क्या हो गई कि हमने कहा सर यहां के बाद ये रिपीट करेगा तो पहले वाले में हमारी लेंथ कितनी आई थी सर पहले वाले में लेंथ आई थी हमारी टू पाई की कितनी आई थी दोस्त टू पाई की अगले में लेंथ कितनी हो गई सर लेंथ हमारे पहले के मुकाबले आधी हो गई पहले के मुकाबले आधी हो गई यानी पाई, पाई का हो गया ना पाई जोड़कर मैंने ये कॉन्सेप्ट बनाया है ओके अगले वाले में बेटा हमारा जो इंटरवल था वो तो सर टू पाई का था लेकिन सर हमारे रिपीटिंग इंटरवल कितने का हो जाता है सर मेरा रिपीटिंग इंटरवल हो जाता है टू पाई को अगर तीन हिस्सों में तोड़ोगे तो टू पाई बाई थ्री का इंटरवल हो जाएगा दोस्त कितने का टू पाई बाई थ्री का इंटरवल हो जाएगा तो सर आप क्या इन्हें रट्टा मारे नहीं बेटा यही तो मैं सिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि कह रहा है कि कोई भी फंक्शन अगर हम लोग लेते हैं कोई भी फंक्शन लेते हैं मतलब क्या सर मतलब ये जरा ध्यान से देखिएगा दोस्त यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं डिस्कस करने वाला हूं वो ये कह रहा है कि सर अगर इफ इफ एफ एक्स ठीक है पीरियड ऑफ एफेक्ट्स इफ पीरियड ऑफ एफेक्स जो है वो टी है क्या है सर अगर पीरियड ऑफ एफेक्स टी है यानी सर साइन एक्स का पीरियड कितना है टू पाई है साइन एक्स का पीरियड सर टू पाई है तो हम लोग अभी अजम्शन में ये टू पाई को टी मानकर चलेंगे जी सर आगे बताइए आगे बताने पर हमें पता लगता है कि अगर मैंने फंक्शन में क्या किया सर x के साथ कोई भी कांस्टेंट को मल्टीप्लाई कर दिया मैंने फंक्शन में x के अंदर कोई भी कांस्टेंट को मल्टीप्लाई कर दिया और बच्चा अगर मैंने उसमें कोई प्लस कांस्टेंट कर दिया तो हमारा जो पीरियड होगा वो क्या हो जाएगा सर वो टी डिवाइडेड बाई हो जाएगा मॉड्यूलस ए हो जाएगा क्या हो जाएगा दोस्त मॉड्यूलस ए हो जाएगा यानी सर अगर यहां पर नेगेटिव में होता तो भी पॉजिटिव से वैल्यू से डिवाइड करते पॉजिटिव होता तो भी पॉजिटिव वैल्यू से डिवाइड करते अब इसमें ध्यान किस पर नहीं देना है सर ध्यान हमें इस पर नहीं देना है क्योंकि ये किसी काम का नहीं है यूजलेस है सर यूजलेस है यानी अगर मैं यहां पर साइन थ्री एक्स प्लस टू का ग्राफ बनाता साइन थ्री एक्स प्लस टू का ग्राफ बनाता तो उसका भी हमारा जो इंटरवल आता पीरियड जो इंटरवल होता वो भी टू पाई बाई थ्री होता बस वो थोड़ा सा शिफ्टेड होता लेकिन पीरियड में उसके कोई फर्क नहीं आता है ना ये पीरियड बेटा एक्चुअली में टाइम पीरियड से ही मैच करो और टाइम पीरियड फ्रीक्वेंसी से मैच करता है तो ये कहीं ना कहीं एम्पलीट्यूड फ्रीक्वेंसी ये सब सारी चीज़ों से मिला जुला रूप है बस हम इसे थोड़ा मैथमेटिकली लेकर जा रहे हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि सर ये वाली प्रॉपर्टी जो है काम की है इसके ऊपर सवाल आएगा कि सर अगर मैंने किसी फंक्शन का पीरियड हमारे पास टी है और उस फंक्शन के वेरिएबल को आपने मॉडिफाई किया किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके तो उसका पीरियड क्या हो जाएगा बेटा अपॉन में मॉडुलस हो जाएगा ठीक है इसमें सेम पीरियड नहीं लिखा होना चाहिए इसको मैं काट देता हूं ये गलत लाइन है विल हैव द दीरियड टी में मॉडुलस से हो जाएगा वेरी इंपॉर्टेंट दोस्त वेरी इंपॉर्टेंट ये चीज लिख लेना यहां से सवाल पूछे जा सकते हैं ठीक है ओके नेक्स्ट क्या कहता है सर नेक्स्ट कहता है कि अगर मेरे पास कोई फंक्शन एफ एक्स और कोई फंक्शन जी एक्स का पीरियड रेस्पेक्टिव पीरियड टी वन और टी टू है पहले वाले फंक्शन का पीरियड टी वन है दूसरे वाले फंक्शन का पीरियड टी टू है तो मुझे अलग अलग कंडीशन में एफ प्लस माइनस जी एक्स ऐसा ले लो एफ एक्स और जी एक्स ऐसा ले लो या फिर एफ एक्स अपॉन जी एक्स ले लो बेटा यानी प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड अगर आप उन फंक्शन का कर रहे हो तो ऐसे टाइम पे हमारा पीरियड क्या हो जाएगा सर एल सी एम ऑफ टी वन एंड टी टू हो जाएगा दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट ठीक है डायरेक्टली आंसर करना है जैसे मैं एग्जाम्पल के तौर पर अगर आपको इसको बताने की कोशिश करूं तो हम लोग ये बात जानते हैं क्या चीज कि सर पीरियड ऑफ साइन एक्स कितना होता है सर पीरियड ऑफ साइन एक्स होता है सर टू पाई अच्छा ओके सर पीरियड ऑफ एक्स कितना हो जाएगा सर पीरियड ऑफ थ्री एक्स हो जाएगा टू पाई बाई थ्री है ना क्या बोला था सर जो भी पीरियड कॉस एक्स का होता है उसके डिवाइड में बेटा इसका कॉन्स्टेंट से मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर दो है ना टू पाई बाई थ्री हो जाएगा तो मुझे ये बताइए क्वेश्चन आपका ये बनता है कि सर पीरियड ऑफ पीरियड ऑफ साइन एक्स प्लस कॉस थ्री एक्स साइन एक्स प्लस कॉस थ्री एक्स का पीरियड कितना होगा तो आपका आंसर होना चाहिए सर एल सी एम ऑफ टू पाई एंड टू पाई बाई थ्री एल सी एम ऑफ टू पाई एंड टू पाई बाई थ्री होना चाहिए तो आप इनका एल सी एम ढूँढ सकते हैं ढूंढ सकते हैं कि नहीं ढूंढ सकते हैं सर ढूंढ सकते हैं कैसे एलसीएम ढूंढने के लिए बेटा थोड़ा सा दिमाग लगाओ आप एक जगह पर टू पाई का टेबल पढ़ो और एक जगह पर टू पाई बाई थ्री का टेबल पढ़ो सर टू पाई इंटू वन टू पाई टू पाई इंटू टू फोर पाई टू पाई इंटू थ्री सिक्स पाई फिर उसके बाद एट पाई एंड सो वन ऐसे करके टेबल चलता रहेगा हाँ सर यहां करोगे तो बेटा अगला टेबल आपके पास फोर पाई बाई थ्री होगा अगला टेबल बेटा सिक्स पाई बाई थ्री होगा जिसे आप लोग काट कर बेटा टू पाई लिख सकते हो अगला टेबल आपके पास एट पाई बाई थ्री होगा अगला टेबल बेटा आपके पास टेन पाए बाई थ्री होगा है ना फाइव से मल्टीप्लाई करोगे एंड सो ऑन चलता रहेगा आप कहोगे सर एलसीएम एक ऐसा नंबर होता है जो दोनों के टेबल में आता है और सबसे छोटा होता है जो दोनों के टेबल में आता है और सबसे छोटा होता है तो हम कहेंगे सर इसका आंसर कितना हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा टू पाई तो टू पाई और टू पाई बाई थ्री का एलसीएम कितना हो जाएगा दोस्त आंसर टू पाई ही हो जाएगा बाकी मैं एक और क्वेश्चन करवाऊंगा इसके और एक्सप्लेनेशन के साथ अब ये चाहे बेटा साइन एक्स प्लस लिखा हो या फिर इसकी जगह पर लिखा हो साइन एक्स माइनस लिखा हो या फिर इसकी जगह पर साइनेक्स मल्टीप्लाई कॉस्ट्री एक्स लिखा हो या फिर इसकी जगह पे साइनेक्स अपॉन में थ्री एक्स लिखा हो, सभी कंडीशंस में बेटा क्या होगा आपका आंसर यही आने वाला है दैट इज टू पाई ही हमारा पीरियड आने वाला है हैं जी यह थे हमसे कहना चाहता है तो आई होप आप इस थ्योरम को अच्छे से समझ गए हैं इसको आपको जब भी यूज करना हो तब लगाएं लेकिन एक बात का ध्यान रखें बेटा एक एक्सेप्शन होता है जैसे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपके एक्सेप्शन की भरमार होती है ना सर आपको इनऑर्गेनिक भी आती है हाँ बेटा आती है आती है ठीक है लेकिन बात नहीं करेंगे उसके ऊपर तो जैसे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक्सेप्शन की भरमार होती है ऐसे बेटा पीरियड ऑफ फंक्शंस के अंदर इस प्रॉपर्टी में एक एक्सेप्शनल केस है वो एक्सेप्शनल केस क्या है कि सर यदि हम लोगों ने फंक्शन मॉड साइनेक्स प्लस मॉड कॉसेक्स ले लिया यदि हम लोगों ने फंक्शन को मॉड साइनेक्स प्लस मॉड कॉसेक्स ले लिया तो हम लोग एक बात अच्छे से जानते हैं क्या जानते हैं कि सर साइन एक्स का जो पीरियड होता है वो कितना होता है सर टू पाई होता है कॉसेक्स का पीरियड कितना होता है सर टू पाई होता है फिर हम लोगों ने एक थ्योरम पढ़ी थी कि अगर मैं ले लेता हूँ ये देखो कौन सी प्रॉपर्टी थी कि सर अगर मॉड ले लिया तो पीरियड कितना हो जाएगा पाई हो जाएगा यानी सर यहाँ से अगर मैं अगले स्टेप में बोलूँ कि मॉड एक्स का पीरियड कितना हो जाएगा सर वो पाई हो जाएगा मॉड कॉस एक्स का पीरियड कितना हो जाएगा सर ये पाई हो जाएगा अच्छा तो अब ये वाली प्रॉपर्टी लग जाएगी ना कौन सी सर कि अगर मैं मॉड साइन एक्स प्लस मॉड कॉस एक्स अगर करूंगा तो मेरे पास आंसर क्या होना चाहिए मेरे पास आंसर होना चाहिए एलसीएम ऑफ पाई कॉमा पाई यानी दोनों के पीरियड्स का एलसीएम होना चाहिए अब पाई और पाई का एलसीएम कितना हो जाएगा सर पाई हो जाएगा कितना हो जाएगा पाई हो जाएगा लेकिन 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 एक्सेप्शन के केस में हम कहेंगे सर ये वाली चीज़ जो है ये गलत है ये वाली चीज़ जो है दोस्त ये रॉन्ग हो जाता है दिस इज कॉल्ड एक्सेप्शन कि सर यहां पर ये काम नहीं करेगा दिस इज इनकरेक्ट दिस इज इनकरेक्ट रॉन्ग कह लो गलत कह लो ब्लंडर कह लो हमें लगेगा कि सर इसका आंसर पाई आना चाहिए लेकिन जब आप इस फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ करेंगे इस फंक्शन का जब आप ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो आपको पता चलेगा कि सर इसका पीरियड कितना आएगा इसका पीरियड हो जाएगा पाई अपॉन में टू करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा सर ये याद रख लेना कि करेक्ट आंसर क्या होगा कि साइन एक्स प्लस कॉस एक्स के मॉड्यूलस का पीरियड कितना हो जाएगा पाई में टू हो जाएगा ये एक्सेप्शन याद रख लेना बस है ना सिर्फ एक ऐसा फंक्शन है जो कि ये बिहेवियर आप लोगों को दिखाएगा जो कि इस वाली प्रॉपर्टी से काम नहीं करेगा बाकी हर जगह पे ये बिंदास काम करेगा बिंदास लगाने का लेकिन अगर साइन एक्स और कॉस एक्स के मॉडुलस फंक्शंस का एडिशन आ जाए तो आप उस पर एल्सियम ना लेकर डायरेक्टली बोलेंगे कि सर इसका पीरियड जो है वो पाई बाई टू बिहेवियल दिखाता है ठीक है जी बढ़िया सर तो क्वेश्चन की तरफ चलें एकदम चलो भाई एकदम चलो यहाँ पर पहला सवाल क्या बोल रहा है कि सर विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रू फॉर द फंक्शन लॉग ऑफ मॉ एक्स प्लस अंडर द रूट वन प्लस एक्स स्क्से पहले इवन फंक्शन ऑड फंक्शन तो हो सकता है नीदर इवन नॉर ऑर्ड भी हो सकता है लेकिन पीरियडिक नहीं होगा क्योंकि लॉगरिदिक फंक्शन पीरियडिक नहीं होते लॉगरिदिक फंक्शन पीरियॉडिक नहीं होते ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं अच्छा तो सर मैं सबसे पहले अगर मैं एफ माइनस एक्स निकालने की कोशिश करूँ क्योंकि इवन ऑर्ड तो मैं इसी भरोसे पर चेक करूंगा करते हैं भाई इवन और अगर मैं चेक करूंगा तो यहां पर हमारे पास क्या हो जाएगा सर लॉग में जहां जहां पर एक्स है वहां पर हमें माइनस एक्स लिखना पड़ेगा ठीक है सर? जहां जहां पर एक्स है वहां पर हम लोगों को माइनस एक्स लिखना पड़ेगा लिख दिए सर ओके तो ये लॉग का लॉग है ये बच्चा आपका बन जाएगा अंडर द रूट वन प्लस एक्स स्क्वे माइनस के एक्स बन जाएगा जी सर ओके लेकिन इसके साथ में चाहता हूं कि आप सातों सात बेटा इसमें क्या कर दो रेशनलाइजेशन कर दो अंडर द रूट वन प्लस एक्स का स्क्वायर माइनस एक्स डिवाइडेड बाय अंडर द रूट वन प्लस एक्स का स्क्वायर माइनस का एक्स जैसे ही आप इसे रेशनलाइजेशन कर देते हो सर माइनस नहीं प्लस आएगा क्या आएगा प्लस आएगा रेशनलाइजेशन में हां जी सर प्लस आएगा लो जी ठीक कर दिए ठीक कर दिया सर इसमें हम लोगों ने रेशनलाइजेशन अगर कर दिया तो अगले स्टेप में आप लोगों को यहां पर मिलेगा लॉग ऑफ क्या सर ऊपर क्या मिलेगा सर ए माइनस बी ए प्लस बी से मल्टीप्लाई करोगे तो ये बन जाएगा वन प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर बन जाएगा माइनस बी का स्क्वायर एक्स का स्क्वायर बन जाएगा और डिवाइडेड बाय बेटा अंडर द रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स आ जाएगा हाँ जी सर जब आप इसको सॉल्व करोगे तो रूट से स्क्वायर खत्म हो गया तो प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर से कट जाएगा तो आपके पास आएगा बच्चा लॉग ऑफ वन अपॉन में अंडर द रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्सक्वायर प्लस एक्स ऐसे करके आ जाएगा है ना अब आपको एक प्रॉपर्टी पर ध्यान देना है लॉगरिदम के वो ये कि सर लॉगरिदम वन अपॉन में ए जो होता है ये माइनस के लॉगे के बराबर होता है दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी इन द लॉगरिदम्स कि लॉगरिदम वन अपॉन में ए माइनस के लॉगे के बराबर होता है अब इस प्रॉपर्टी को यहां पर लगा देंगे तो हमारे पास ये बन जाएगा माइनस के लॉगरिदम ऑफ एक्स प्लस अंडर द रूट वन प्लस एक्स हाँ सर बन गया तो क्या आप देख पा रहे हैं कि सर हम लोगों ने शुरुआत करी थी f माइनस एक्स को लेकर और हमारा आंसर माइनस के एफ एक्स के बराबर आ गया यानी सर ये एक ऑर्ड फंक्शन को वेरीफाई कर रहा है सो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हैं जी धुआं एकदम धुआं धुआं मचा दिए सर थोड़ा मुश्किल सवाल लेकर आए हैं लेकिन बढ़िया था एकदम बढ़िया था कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का बड़ा फेवरेट सवाल है ये एकदम फेवरेट सवाल है और आपके पेपर में भी आ सकता है चलो भाई आगे देखो अगला सवाल देखो Which of the following function is even function? आपसे पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा function even function है तो हम बोलेंगे कि सर आप देखो x की power अगर even हुआ तो सर ये even function होगा है ना Even function होगा और अगर x की power में सर odd दिखा तो सर ये odd function होगा हम लोगों ने ऐसे बेसिक लेवल पे इस चीज को अंडरस्टैंड कर रखा है वरना मुझे सभी को प्रॉपर्टीज बेसिस पे चेक करना पड़ेगा तो मैं ये कहूंगा सर ये वाला तो इवन है ये वाला ऑड है तो ये आंसर नहीं हो सकता सर ये इवन है ये ऑड है ये आंसर नहीं हो सकता ये सर इवन है ये इवन है तो सर यही आंसर होगा ये ऑड है ये ऑड है ये नहीं हो सकता तो मेरा आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा अब आप चाहें तो इसे मैथमेटिकली वेरीफाई कर सकते हैं लेटेस्ट से मैं सी ऑप्शन को लेकर चलता हूं जहां पर मुझे एफ एक्स बराबर क्या दिया गया है सर एक्स की पावर चार प्लस एक्स की पावर दो दिया गया है इसमें मैं एफ माइनस एक्स अगर निकालूंगा तो यह बन जाएगा माइनस एक्स की पावर चार प्लस माइनस एक्स की पावर दो हो जाएगा जो कि x की पावर चार प्लस x की पावर दो दे देगा यानी वापस से एफ फंक्शन बन जाएगा और ये f माइनस एक्स बन जाएगा हैं जी तो सर ये इवन फंक्शन की प्रॉपर्टी वेरीफाई कर रहा है कर रहा है सर एकदम कर रहा है अब आपको बताना है कि ये सर इवन है या ऑड है सर इवन तो नहीं है आपको बताना है क्या ये फंक्शन जो है ये ऑड है ये जो फंक्शंस लिखे हुए हैं इनमें से कौन सा ऑड है कौन सा ऑड नहीं है क्योंकि ये इवन तो नहीं है तो ये हो गया आपका होमवर्क कि इनमें से कौन कौन से फंक्शन ऑड हैं और कौन से नहीं है भाई बढ़िया बढ़िया सवाल एकदम चलो सर अगला सवाल देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सर एफ एक्स बराबर वन अपॉन में एक्स जो है वो कैसा फंक्शन है सबसे पहले मैं पीरियोडिक फंक्शन को काट दूंगा क्योंकि सर ये रेसिप्रोकल फंक्शन पीरियोडिक नहीं होते हैं ये इवन फंक्शन नहीं हो सकता है क्योंकि सर इसका पावर इवन में नहीं है तो ये भी नहीं है अब या तो ये ऑड है या तो ये नहीं है बेटा ध्यान से देखोगे तो आप कहोगे सर अगर मैं एफ एक्स बराबर वन अपॉन में एक्स लेता हूँ तो सर एफ माइनस एक्स कितना हो जाएगा सर एफ माइनस एक्स वन अपॉन में माइनस एक्स से रिप्लेस कर देंगे तो ये माइनस के वन अपॉन में एक्स हो जाएगा यानी सर ये माइनस के एफ एक्स के बराबर आ जाएगा कौन एफ माइनस एक्स माइनस के एफ एक्स के बराबर आ जाएगा सो सर ये एक ऑड फंक्शन को डिलीवर कर रहा है हैं जी बढ़िया सर एकदम बढ़िया ग्राफ अगर बनाना जानते इसका ग्राफ बनाना जानते हो भाई देख लेना वन अपॉन एक्स का जो ग्राफ होता है वो ऐसे करके बनता है सर खाली ग्राफ ये रहा है ना ये जीरो हो गया सर वन अपॉन एक्स का ग्राफ ऐसे बनता है यूं करके ये ऐसे बनता है और ये ऐसे बनता है तो सर ऑड फंक्शन बन गया ना देखो सिमेट्री दिखा रहा है ना सर अबाउट द ओरिजिन बिल्कुल सर चलो अगला सवाल नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सर FX बराबर अगर sin 2x 3 है पीरियड ऑफ साइन एक्स कितना होता है सर पीरियड ऑफ साइन एक्स होता है हमारे पास टू पाई जी सर अब अगर मुझे निकालना है पीरियड ऑफ ध्यान से सुनिएगा दोस्त पीरियड ऑफ साइन टू एक्स प्लस थ्री साइन टू एक्स प्लस बेटा यहां पे ना मैं थोड़ा कलाकारी करना चाहता हूं आप लोगों के लिए सो so दैट आपको एक बेटर अंडरस्टैंडिंग मिल पाए जी सर आप बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए कलाकारी करोगे इतना प्यार हां बच्चा इतना प्यार तो ये हम लोगों ने कुछ ऐसे लिखा तो अब आप देखोगे कि सर अब अगर मुझे पीरियड निकालना है तो टू पाई तो रहेगा लेकिन यहां पर एक्स के साथ कौन सा कॉन्स्टेंट कौन मल्टीप्लाई हो रहा है यहां एक्स के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है टू तो टू अगर मल्टीप्लाई हो रहा है तो हम लोग लो यहां पर क्या करेंगे सर मॉड्यूल टू से डिवाइड कर देंगे किससे डिवाइड कर देंगे बेटा मॉड्यूलस टू से डिवाइड कर देंगे तो हम लोग कहेंगे सर मॉड्यूलस टू टू होता है तो कुल मिलाकर मेरा पीरियड कितना आ जाएगा बेटा पाई आ जाएगा सो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बताया एकदम धास एकदम बढ़िया हैं जी ये लगाया था ना, हम लोगों ने प्रॉपर्टी लगाई थी तो एकदम तरीके से हो लोग जानते हैं लो है, सर पीरियड ऑफ एफेक्स कितना होता है पीरियड ऑफ टैन एक्स कितना होता है सर पीरियड ऑफ टेन एक्स होता है हमारे पास पाई सीखा था हाँ जी सर पाई होता है अब यहां से मैं अगर कहूं कि मुझे बताइए सर पीरियड ऑफ टैन टेन माइनस थ्री एक्स कितना होगा सर कलाकारी फिर से करोगे हाँ बच्चा मैं करूंगा फिर से करूंगा फिर से कलाकारी करेंगे सर टेन माइनस थ्री एक्स दिया गया है तो आप कहेंगे कि सर यहाँ पर एक्स का कॉफिशियन क्या है सर माइनस थ्री तो इसका मतलब मेरा पीरियड जो होगा वो पाई तो होगा लेकिन मुझे क्या करना होगा मुझे सर इसको माइनस थ्री के मॉड्युलस से डिवाइड करना होगा तो हमारा पीरियड क्या बन जाएगा हमारा पीरियड बन जाएगा पाई अपॉन में थ्री बन जाएगा सो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा हैं जी एकदम बढ़िया चलो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि सर एफ एक्स बराबर अगर कॉस स्क्र फोर एक्स प्लस फाइव द दे पीरियड ऑफ द एफ एक्स अच्छा सर यहां पर हम लोगों ने सीखा था कि सर पीरियड ऑफ कॉसेक्स कितना होता है सर टू पाई होता है अच्छा फिर उसके बाद हमने सीखा था कि सर अगर मुझे पीरियड ऑफ कॉस एक्स निकालना हो तो इवन पावर में क्या हुआ था सर पीरियड हमारा पाई बन गया था अच्छा सर अब अगर मैं पीरियड ऑफ पीरियड ऑफ कॉस स्क्वेर कॉस स्क्वेर फोर एक्स प्लस फाइव है बेटा फोर एक्स प्लस फाइव है यानी यहाँ पर फोर है यहाँ पर बच्चा हमारे पास फाइव है तो यहाँ पर कौन सा कांस्टेंट मल्टीप्लाइड है सर फोर है यानी मुझे पाई को बेटा मॉडुलस फोर से डिवाइड करना होगा तो मेरा पीरियड हो जाएगा पाई अपॉन में फोर सो ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर हैं जी एकदम बढ़िया धांसु सर एकदम बढ़िया चलते हैं अगले सवाल की तरफ नेक्स्ट क्वेश्चन सर कंसीडर द फॉलोइंग फंक्शन वेयर एफ एक्स बराबर जी एक्स प्लस एच एक्स अच्छा जी एक्स आपको इतना दिया है एच एक्स बराबर इतना दिया है देन व्हाट इज द पीरियड ऑफ द फंक्शन एफ एक्स इधर देखिए बेटा अब मैं यहां पर लंबा सवाल कि सर हम लोग जानते हैं पीरियड ऑफ एफ एक्स कितना होता है पीरियड ऑफ एफ एक्स एफ एक्स नहीं सर पीरियड ऑफ साइन एक्स कितना होता है सर 2 पाई होता है साइन एक्स पाई होता है तो अब मैं यहां से अगर आपसे पूछूं कि मुझे बताइए सर, period of sin x by 4 कितना हो जाएगा आप कहेंगे सर, x में क्या मल्टीप्लाई हो रहा है बेटा x में तो मैं टू पाई को किससे डिवाइड करूंगा मॉड्यूल बाई फोर से डिवाइड करूंगा तो मेरा पीरियड आ जाएगा एट पाई है ना वन बाई फोर मल्टीप्लाई हो रहा है ना तो मैं वन बाई फोर से डिवाइड करूंगा ठीक है सर आगे चलते हैं यहाँ पे आगे चलते हैं सर अगले वाले फंक्शन में हमें कॉस दिया हुआ है तो पीरियड ऑफ पीरियड ऑफ कॉस एक्स कितना होता है सर इसका भी टू पाई होता है ठीक है सर आगे हम लोग कहेंगे सर पीरियड ऑफ हम लोग कॉस फोर एक्स बाई फाइव कॉस फोर एक्स बाई फाइव अगर मैं निकालता हूँ तो बच्चे इस वक्त मेरे पास एक्स में क्या मल्टीप्लाइड है सर फोर बाई फाइव मल्टीप्लाइड है तो हम लोग डिवाइड भी किससे करेंगे सर फोर बाई फाइव के मॉड्युलर से डिवाइड करेंगे तो अब पीरियड बन जाएगा पांच दुनी दस बटे चार यानी कि फाइव पाई अपॉन में टू बन जाएगा अब बच्चों को यह नहीं समझ में आता है कि सर एट पाई और फाइव पाई बाई टू का एलसीएम कैसे निकालें बड़ा धांसू काम है ऑब्वियस इसी बात है अब अगर मुझे निकालना है पीरियड ऑफ ध्यान से सुनिएगा बेटा क्या निकालना है पीरियड ऑफ पीरियड ऑफ सर किसका साइन एक्स बाई फोर प्लस कॉस फोर एक्स बाई फाइव का पीरियड अगर मुझे निकालना है तो हम लोग कैसे निकाल लें सर हमें एलसीएम निकालना है किसका एट पाई का और सर फाइव पाई बाई टू का एलसीएम निकालना है तो मैं ये छोड़ देता हूं आप लोगों के लिए होमवर्क है नहीं कमेंट सेक्शन में आंसर बताना है दोस्त ये मैं चाहता हूं कि आप लोग थोड़ा दिमाग लगाएं जैसा मैंने बताया कि एट पाई का टेबल पढ़ना और फाइव पाई बाई टू का टेबल पढ़ना फाइव पाई टू फाइव पाई बाई टू वन जाव पाई बाई टू जाए पाई बाई थ्री जा फिफ्टीन पाई बाई टू ऐसे करके टेबल पढ़ना और उन दोनों टेबल में जो सबसे छोटा नंबर कॉमन होगा वो कॉमन नंबर आप लोगों को निकालना है दैट विल बी द एल ऑफ दिस नंबर और वो इनमें से कोई एक आंसर आ जाएगा हैं जी तो ये हुआ आपका पूरा कॉन्सेप्ट जहां पर हम लोगों ने इवन फंक्शन ऑड फंक्शन और, और पीरियोडिक फंक्शन को काफी करीब से जाना चाहे वो एल्जेब्रेकली हो चाहे वो इवन चाहे वो ग्राफिकली हो बेटर अंडरस्टैंडिंग ग्राफिकली से मिलाना बोलो सच सच बोलो सच सच बोलो ग्राफिकली से मिलाना है ना ठीक है तो यस बेटा यस मैं बार बार बोलूंगा कि फंक्शन चैप्टर को अगर आपको कॉन्फिडेंस में लाना है उसके डोमेन रेंज इनवर्स सब चुच ए टू जेड चीज़ें अगर आप कंफर्म करना चाहते हैं कि सर मुझे बेटर तरीके से अंडरस्टैंड करना है तो पहले उसके ग्राफ को स्टडी करना सीखिए ग्राफ के ऊपर ज़्यादा समय बिताइए ग्राफ के लिए जैसा मैंने बताया कि अगर आपको किसी फंक्शन का ग्राफ बनाना है आपको नहीं आता है तो आप ऑनलाइन ग्राफिंग कैलकुलेटर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं जो बिल्कुल होता है आराम से यूज करिए स्टडी परपस के लिए वो आपके लिए फ्री रखा गया है तो आप लोग उसको जरूर इस्तेमाल करें बेटा मैं आपको सिर्फ रास्ता बता सकता हूं चलना आपको ही पड़ेगा बार-बार हर वीडियो में यही बात बोलूंगा बार-बार है नहीं ठीक है भाई तो इसी के साथ यहां पर कंप्लीट एक्सप्लेनेशन के बाद हम लोग तैयार हैं इस सेशन को खत्म करने के लिए और इजी था आसान था मजेदार था काफी कलरफुल था मैं जानता हूं सो so, इसके लिए मैं पहले से थैंक यू बोल देता हूं तो थैंक यू वेरी मच गाइस, थैंक यू वेरी मच मिलते हैं फिर अगले सेशन में तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों